दी, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। मधुर बोल पग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सत्य पंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, सदा बदलम हृदयारविंदे, अवम भवानी तैतम नमामि। मनोजवम मारुत कुल बेगम, जितेन्द्रियम बुद्धि मातम वजीसम, आत्मदम वानर योतमोऽयम, श्रीराम दूतम करणम प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। शीतलीकरणम्।
मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम मां जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न देहनाकं महिमानः सजंत जत्र पूर्वी साध्याः शांति देवाः यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। पूज्यपाद जगद्गुरु भगवान की जय हो। पूज्यपाद स्वामी त्रिदंडी स्वामी रंग रामानुजाचार्य जी महाराज की जय हो। वैकुंठवासी स्वामी श्री वेदांती जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद स्वामी जगद्गुरु श्री मधुसूदनाचार्य जी महाराज की जय हो। माता पिता गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज द्वितीय दिवस के पावन बेला में आप समस्त श्रद्धालु भक्तगण श्रीमद् भागवत कथा का पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से श्रवण पान करें। सभी लोग अपने अपना स्थान ग्रहण करके अपना स्थान पर बैठें और आगे ठाकुर जी के दिव्य पावन मंगलमय कथा का महाराज श्री के मुखारविंदों के द्वारा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। पूज्य महाराज श्री श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमांत महादेशिकाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। कमप्याद्यं गुरुं वंदे कमलागृहमेधिनां प्रवक्ता छन्दसां वक्ता पाञ्चरात्रस्य यः स्वयं गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे दृढीमहे च तत्राद्यौ दंपति जगतांपति ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि त्रिणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये वेदे सञ्जातखेदे मुनिजन वचने प्राप्त नित्यावमाने संकीर्णे सर्ववरणे सति तदनुगुणे निष्प्रमाणे पुराणे मायावादे समोदे कलिमल वसतः शून्यवादे विवादे धर्मत्राणाय यो भूत् स जयति भगवान् विष्णुघण्टावतारः। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 बदरी नारायण 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 बदरी नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सियापति रामचंद्र के जय हो। राधा वल्लभ कृष्ण चंद्र महाराज के जय हो। तीर्थराज प्रयाग के जय हो। माधव भगवान के जय हो। अक्षय वट धाम के जय हो। गंगा मैया के जय हो। गौ माता के जय हो। भारत माता के जय हो। भाष्यकार भगवान के जय हो। आचार्य वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज के जय हो। श्री परकाल महादेशिक स्वामी जी महाराज के जय हो। श्री बाबा बलदेव दास जी महाराज के जय हो। वैकुंठवासी पूज्य श्री त्रिदंडी वेदांत रामानुज स्वामी जी महाराज के जय हो। वैकुंठवासी पूज्य श्री त्रिदंडी अभिनव देशिकेंद्र रामानुज स्वामी जी महाराज के जय हो। पूज्य श्री त्रिदंडी रंग रामानुजाचार्य जी महाराज के जय हो। जगद्गुरु स्वामी जी महाराज के जय हो। पूज्य श्री स्वामी महीधराचार्य जी महाराज के जय हो। वैकुंठवासी सद्गुरुदेव भगवान के जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान के जय हो। अपने अपने माता पिता के जय हो। जय जय नारायण। बंधुओं, कल के ज्ञान सत्र में हम सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य पक्ष का श्रवण किया। अब आज हम भागवत शास्त्र में प्रवेश कर रहे हैं। इसके पूर्व मैं कहना चाहूंगा, इस गरिमामय मंच पर, व्यासपीठ पर पधार कर महान विभूतियों ने मुझे संबल दिया। पूज्य वैकुंठवासी हमारे सद्गुरुदेव भगवान जो इस धराधाम पर नहीं रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले, सदैव सात्विक वृत्ति से सनातन धर्म के ध्वज को लहराते हुए और महाराज श्री को आचार्य के रूप में देखते हुए और उनके निर्देशन को, उनके कथन को वेद वाक्य सा मान करके आज भी अक्षरशः जीवन में उतारने वाले आदरणीय श्री स्वामी वेंकटेशाचार्य जी महाराज, परम विरक्त त्याग मूर्ति तपोनिष्ठ, जो सुल्तानपुर गोलाघाट आश्रम से नजदीक में ही आश्रम श्री राम जानकी मठ भंडरा के नाम से जाना जाता है, भंडरा बाजार में स्थित है। सुल्तानपुर शहर से वहाँ की दूरी मात्र 15 किलोमीटर के करीब है। वहाँ पर एक भव्य आश्रम का कलेवर आपने तैयार किया। आश्रम बहुत पुराना था लेकिन अव्यवस्थित व्यवस्था में हो गया था। स्वामी जी व्यस्तताओं को किनारे करते हुए निर्माण कार्य आज भी वहां पर चल रहा है, लेकिन पूज्य महाराज श्री इस कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास में
जिनको आप लोगों ने कल दर्शन लाभ लिया, जिनका दर्शन लिया, स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज बड़े ही व्युत्पन्न मति साधु वृत्ति से रहने वाले और योग मार्ग के बहुत अच्छे जानकार श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज जो विद्यमान हैं। आगे की और मैं बताता चलूं, यज्ञशाला में वेद मंत्रों का निरंतर उद्घोष करने वाले जिनकी मुखरित वाणी यह सिद्ध करती है कि किसी अच्छे आचार्य के सन्निधि में रह करके वेद का सांगोपांग अध्ययन किए हैं, प्रामाणिकता इनकी ध्वनि इनकी वाणी स्वयं स्पष्ट करती है। और पूज्य दुर्वासा वाले स्वामी जी महाराज के सन्निधि में रह करके आप सभी में जो हमारे पास में बैठे हुए हैं प्रिय नंद जी महाराज जी के प्रिय शिष्यों में आपका स्थान आदर के साथ लिया जाता है। और भी वैदिक विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं जो संगीत में भी प्रवीण, वेद में भी प्रवीण, धर्मशास्त्र के भी अच्छे अनुभवी और हमारे परम स्नेही विश्वास भाजन श्री देव की नंदन जी, आप सारे कार्यों को बड़े मनोयोग से संपन्न करने में कुशल हैं। चित्रकूट से पधारे हुए जो वर्तमान में किसी विशेष कार्यवशात एक संत सम्मेलन में गए हुए हैं आदरणीय श्री बटुक जी महाराज, और शिविर के प्रबंधन में बड़े मनोयोग से निपुणता पूर्वक जो कार्यों को गति देने में लगे हुए हैं श्री अनंताचार्य जी आनंद जी महाराज, आप सभी भूरिशा धन्यवाद के योग्य हैं। संगीत के माध्यम से जो आप सभी लोगों को किसी भी तरह से कथा से या सत्संग से सदैव जोड़े रहने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं आदरणीय श्री जगजीवन पांडे जी जो अर्गन पर आप सभी लोगों को संगत दे रहे हैं। दूसरे बगल में बैठे हुए प्रिय नीरज ब्रह्मचारी जो हमारे शिष्य हैं, इस समय संगीत का आप बड़े मनोयोग से लखनऊ में रह करके अध्ययन कर रहे हैं। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा, हयग्रीव भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि आप एक अच्छे प्रतिष्ठित संगीतज्ञ के रूप में समाज के समक्ष उपस्थित हो और संगीत की जो धारा है उस धारा को लोगों को जोड़ करके चलें। हम सभी लोग यहाँ पर कथा का श्रवण तो कर ही रहे हैं लेकिन और जगहों पर बैठे हुए लोग भी चैनल के माध्यम से इसका दर्शन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वह कार्य दायित्व का निर्वहन बहुत मनोयोग से करने वाले हमारे प्रिय इस पी न्यूज चैनल के डायरेक्टर श्री धीरज द्विवेदी जी अपने समस्त मित्र मंडली के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और भी अपने विशेष कार्यक्रमों को शिथिल करके इस वेदांती आश्रम के कार्यक्रम को महत्व देकर के आप स्वयं यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आपको भूरिशा धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वचन मंगलानुशासन कर रहा हूँ। बताते चलें कि ये संस्कृत के एक बहुत अच्छे जानकार हैं, त्रिवेणी भाषा का आपको अच्छा अभ्यास है, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी में आप एक निपुण व्यक्तित्व हैं। मैं आपके निर्मल भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से यही कामना करूंगा। भगवान आपको सदैव ऊर्ध्व शिखर पर पहुंचाते रहें और अपना कृपा कटाक्ष प्राप्त कराते रहें। श्रोता मंडली में आप सभी लोग बैठे हुए हैं, कल्पवास करने वाले जो हमारे धर्म प्रेमी बंधु वर्ग हैं, आप सभी को हम भूरिशा धन्यवाद देते हैं। और भी जो श्रोता मंडली में यहाँ पर
विशिष्ट विज्ञ जन बैठे हुए हैं, आप सभी माताएं भी यहाँ बैठी हुई हैं, सभी के प्रति सद्भाव व्यक्त करते हुए हम सीधे कथा के माध्यम से जो शास्त्र चर्चा है उस पर विचार करना चाहते हैं। बंधुओं एक बात जान लीजिए, जब भी धर्म का ह्रास होता है उस समय महर्षियों के द्वारा मुनियों के द्वारा चिंतन किया जाता है कि किस तरह से धर्म को बचाया जाए। महर्षि विश्वामित्र बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, ध्यान किसका कर रहे हैं? वो ध्यान तो दोनों का कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान बाद में हुआ और राक्षसों का ध्यान पहले हुआ। क्यों? इसलिए कि आतताइयों ने, राक्षसों ने इतना अत्याचार कर दिया कि वे सात्विक कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या करते हैं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी अबिनु हरि मरइन निसिचर पावी। यद्यपि अर्धाली में हरि का नाम पहले ले रहे हैं, लेकिन लक्ष्य तो निश्चरों के ऊपर जा रहा है। ये निश्चर गण इतना अत्याचार कर दिए हैं कि इनके अत्याचार से मैं बचूं कैसे? क्या विश्वामित्र में वह सामर्थ्य नहीं थी? विश्वामित्र तो ऐसे तेजस्वी व्यक्ति थे कि जिनके पास अस्त्र शस्त्र का भंडार भरा हुआ था। यदि विश्वामित्र चाहते तो किसी भी दिव्यास्त्र का प्रयोग करते और सारे के सारे राक्षस देखते देखते भस्मसात हो जाते। लेकिन विश्वामित्र जी जान रहे हैं कि मुझको वह कार्य करने का अधिकार नहीं है, मारने का अधिकार तो कुछ ही लोगों को है। मारने का अधिकार रुद्र को है, शिव को है, यम को है, हर व्यक्ति नहीं मार सकता है। और पालन का अधिकार, पालन का अधिकार तो किसी को भी है, कोई भी व्यक्ति किसी की रक्षा कर सकता है। आप किसी की रक्षा कर देंगे, आपके ऊपर कोई दंड संहिता नहीं लगेगी। आप किसी की हत्या कर देंगे, आप किसी को मार डालेंगे, आपके ऊपर दोष लग जाएगा। सांप ही क्यों ना हो, वन्य जंतु है, वो कुएं में गिरा हुआ है, आपदग्रस्त है, आपने उसको बचा दिया, आपने मानवता का कार्य किया। लेकिन आपने उसको मार दिया तो जो वन्य जीव अधिकारी हैं वे आपके ऊपर एक कोई ना कोई दोष लगाएंगे, आपको दंडित भी कर सकते हैं। तो पालन करने का अधिकार सभी को है, लेकिन मारने का अधिकार सभी को नहीं है। विश्वामित्र जी समझ रहे हैं कि मैं मारूं क्यों मारूं, और मैं मारूंगा भी तो गिने चुने लोगों को मार सकता हूं, जो मेरे सामने आएंगे मैं उनको ही मार सकता हूं। बाकी जितनी निश्चर की जातियां हैं, निश्चरों का जो समूह है, हम उसको नहीं मार पाएंगे। तो मारेगा कौन? कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो सभी को ध्वंस कर सकता है, सभी को नष्ट कर सकता है? तो कहा कि बिनु हरि मरही ननिसिचर पापी, बिना हरि के किसी का मोक्ष नहीं होगा। हरि को कह रहे हैं, हरि का काम क्या है? कहा हरि हरति पापानी, भगवान जब उन पापियों को मारेंगे तो उनका पाप दूर हो जाएगा और वे भगवान के अधिकारी बनेंगे। और कोई व्यक्ति किसी को मारेगा, तब जब व्यक्ति किसी को मारेगा तो वह व्यक्ति प्रेत योनि में चला जाएगा। तो विश्वामित्र ने सोचा कि मैं मार करके किसी को प्रेत योनि में क्यों भेजूं? वैसे ही जब कलयुग का आगमन होने वाला हुआ, द्वापर का समापन होने वाला है, तो ऋषियों महर्षियों ने विचार किया, और विचार करें कहां? एक गोष्ठी का स्थल होना चाहिए। हम सभी लोग सत्संग का लाभ ले रहे हैं, इसके लिए कथा पांडाल हुआ, यज्ञशाला बनी, मंच बना, व्यासपीठ बना, जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं का स्वरूप बना, तब हम लोग सत्र लाभ ले रहे हैं। तो इस सत्र को कैसे करें? इस सत्र को द्वापर जाने वाला है और कलयुग आने वाला है, तो कलयुग आएगा तो कलयुग में क्या
कल बताया था कि धर्म का ह्रास हो जाएगा, सत्य से लोग दूर चले जाएंगे, तपस्या करेंगे नहीं, मिथ्या भाषण करेंगे, मुख में कुछ रहेगा, हृदय में कुछ रहेगा। जब इन सारी बातों को समझ गए महर्षिगण, वो विचार किए कि हमको कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे कलयुग के दोषों से बचा जा सके, और जो दोष हमने बताया वो सारे के सारे दोष रहेंगे ऐसा नहीं है। सात्विक वृत्ति के भी लोग रहेंगे, सतोगुणी भी हैं, तमोगुणी भी हैं, और राजस प्रवृत्ति के भी लोग हैं, लेकिन बहुतायत में उस तरह के लोग होंगे। सतोवृत्ति से रहने वालों की संख्या कम हो जाएगी। सारे लोग बैठ गए और बैठ करके प्रश्न करने लगे कि इसका निराकरण कैसे हो, कलयुग से बचा जाए कैसे। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये ब्रह्म सूत्र का स्वरूप है। इसका जो प्रथम श्लोक में ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र को रख दिए, जन्माद्यस्य यतः। क्यों द्वितीय सूत्र को रखे? इसलिए कि ब्रह्म सूत्र में जब आपने अध्ययन किया तो वहां अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वभाव क्या है, ब्रह्म का प्रभाव क्या है, ब्रह्म का अनुभव कैसे होगा, ब्रह्म की अनुभूति कैसे की जाए, यह जिज्ञासा हुई। जब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस ब्रह्म सूत्र के माध्यम से जिज्ञासा कर दी गई, तो बाद में उसको जन्माद्यस्य आदि के माध्यम से निरूपण किया जाता है, और वही निरूपण का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, कैसा है, उसी का प्रतिपादन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया। तभी तो इसका नाम पारमहंस संहिता रखा गया। अगर ब्रह्म का स्वरूप ना होता, जीव और ईश्वर के स्वरूप का विश्लेषण ना होता, तो इसका नाम परमहंस संहिता क्यों किया जाता? सारे लोग पूछ रहे हैं, और एक दो नहीं है, हजारों की संख्या में ऋषिवृंद हैं, और ऋषिवृंद बैठे कहाँ हैं? कई नैमिषारण्य में हैं। नैमिषारण्य कैसा क्षेत्र है? कई नैमिषे, जब मैं हाथ पढ़ाता हूँ तो केवल जो है नीचे आ जाता है। नैमिषे निमिषक क्षेत्र, जो अब आप सोच सकते हैं, पूछ भी सकते हैं कि जो सत्र महर्षियों ने नैमिषारण्य में चलाया वो प्रयाग में क्यों नहीं चलाया? प्रयाग तो हर तरह से पवित्र है। कल मैंने एक चर्चा में बताया था कि तीन चीजें अन्यत्र अन्यत्र सुलभ होती हैं, लेकिन वे तीनों चीजें एक साथ एक स्थल पर सुलभ हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा, गंगा पाप का क्षरण करती हैं, चंद्रमा ताप का क्षरण करते हैं, और कल्पवृक्ष दीनता का हरण करते हैं। कल्पवृक्ष अक्षयवट को कल्पवृक्ष ही मानिए, क्योंकि यहाँ जो व्यक्ति जिस भावना से प्राप्त करना चाहा उसको वही मिला। जब भगवान भूत भवन भोलेनाथ ने नृत्य किया तो नृत्ता वसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम, 14 बार उन्होंने वादन किया, तो वादन करने के बाद जिसको जो चाहिए था उसको वह मिल गया। तो मानो या कल्प वृक्ष ही है, लेकिन इतना होने के बाद में भी, और संतों का समागम भी हुआ करता है, ये सारी बातें एक साथ उपस्थित, गंगा भी हैं, चंद्रमा भी हैं, अक्षय धाम भी, अक्षय वट भी यहीं पर है, संत महात्मा भी यहाँ पर हैं, तब उस सत्र को यहाँ क्यों नहीं किया गया? नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर के क्यों करने लगे? आप जान लीजिए, इसलिए करने लगे कहीं गंगा मैया बढ़ने लगेंगी तो कहाँ भाग के जाएंगे। जैसे बढ़ रही हैं, लोग शिविर उखाड़ रहे हैं, कोई गिरा रहे हैं, कोई व्यवस्थित हो रहे हैं, माला फूल कपूर चढ़ा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, चुनरी चढ़ा रहे हैं, तब जा करके उस स्थान को छोड़ देती हैं। अपने शिविर के पीछे
जब गिरना शुरू हुआ तो हमारे शिविर के जो धर्म प्राण बंधु वर्ग थे सारे लोगों ने जाकर के वैदिक विद्वानों के नेतृत्व में भगवती की जब उपासना किया तो माताजी वहीं पर रुक गई। अब इधर नहीं कटान हो रहा है, हमारे भाग को इधर छोड़ दिए माता, कहीं ठीक है अब चली गई आगे बढ़ गई, यहाँ खेला करे चाहे वहां खेला करे। तो महर्षियों ने सोचा कि अगर हम प्रयाग में जाएंगे और मेला क्षेत्र में बैठ जाएंगे और कहीं वह सत्र चल गया एक वर्ष का तब क्या होगा, बैठना दुभर हो जाएगा। वे लोग चले गए नैमिषारण्य, तो नैमिषे नैमिषक क्षेत्र, वो देवताओं का क्षेत्र है, नैमिषारण्य में चले गए। लोगों ने प्रश्न किया, उसी में चर्चा हुई कि इसके लिए तो भागवत जी का श्रवण किया जाए, वो सबसे उत्तम ग्रंथ है। भागवत जी को किसने सुनाया, कैसे सुनाया और भागवत जी को सुनने सुनाने की स्थिति कहाँ से हुई और जिसने सुनाया उसके सामने कौन सी विषम परिस्थिति आ गई थी कि जो भागवत का आगमन हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, बताने लगे कि जो बात यहाँ पर आप लोगों ने चर्चा चलाया सेम यही स्थिति वेदव्यास जी के साथ में हुई थी। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास बदरिकाश्रम में बैठे हुए थे, तपस्या में निरत थे, लेकिन उनका मन खिन्न था, दुखी था। एक दिन की बात, वो बैठे कुछ विचार कर रहे थे, विचार करते 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 आप चले आए, आपके एक परिचित का फोन आ रहा है, शेषमण तिवारी जी का, आप बात कर लें। तो वेदव्यास जी बैठे हुए थे, उनको चिंता हुई। जब व्यक्ति अंदर से दुखी होता है तो बाहरी दिखावा बहुत देर तक चल नहीं पाता है, जब अंदर में दुखी रहता है तो वह बाहर से छिपाया नहीं जा सकता और अंदर में प्रसन्न रहता है तो भी बाहर छिपाया नहीं जा सकता। नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी को देख करके व्यास जी चिंतित हैं और भावुक होने लगते हैं। नारद जी ने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास ने कहा कि मेरे चिंता का कारण मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, मैंने ब्रह्म सूत्र का विश्लेषण किया, मैंने महाभारत जैसे ग्रंथ का प्रणयन किया, 17 पुराणों की मैंने रचना किया, इतना सब होने के बाद में भी मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं है। नारद जी ने उनको उपदेश किया कि आपने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो भक्ति रस से सन्नद्ध होकर के नहीं किया है। जब आप भक्ति रस से सने होकर के करेंगे तब आपको दुख नहीं होगा। आपने तो वही कहा, शीशा वाला कार्य किया है, दर्पण का कार्य किया है, जब शीशा में आप देखते हैं तो जो रहता है वही आपको दिखता है, लेकिन आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता कुछ और की है, आप में द्रवीभूत होने की आवश्यकता है। कैसे मैं द्रवीभूत हूँ? इन्होंने कहा भक्ति शास्त्र में प्रवेश करें और भक्ति शास्त्र से सना हुआ, भक्ति से अगर आप जुड़ करके कोई कार्य करेंगे, भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर के आप कोई कार्य करेंगे तब आप सफल हो पाएंगे। भक्ति कहते किसको है ये भी जान लें। भक्ति है भज इत्यस्य धातुर्वै सेवायाम परिकीर्तिता। आपके अंदर जब सेवा भाव आ जाएगा, सेवा कब आएगा,
जब आप ये सोचेंगे कि यह मुझसे श्रेष्ठ है, यह कार्य करना मेरे लिए अति आवश्यक है, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। जब तक आप में भक्ति नहीं आएगी, तब तक आप वास्तविक स्वरूप में भजन नहीं कर पाएंगे। बीच में ही मैं बताना चाहूंगा, हमारे काशी वास के समय के, जब मैं वाराणसी में रहकर भगवती सरस्वती की उपासना में था, साधना करते थे हम लोग, पढ़ाई ही जिस साधना थी उस समय, शास्त्र सेवा ही सारी साधना थी उस समय, हमारे परम स्नेही मित्र रूप में जो रहे आदरणीय श्री प्रकाश पांडे जी, डॉक्टर प्रकाश पांडे जी वाराणसी से आप पधारे हुए हैं, आपके साथ आपके अन्य शुभेच्छु यहाँ पर पधारे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आज आपको पहुंचना था, लेकिन मार्ग में भीड़ भाड़ और अन्य कारणों से आपके आने में विलंब हो गया। फोन से प्रबंधक जी से आपकी बात होती रही, हमारी भी बात होती रही। मैं ये चाहूंगा कि आप आएंगे बाद में, यहीं से व्यासपीठ की तरफ से आपको मंगलानुशासन किया जा रहा है, आरती के समय आप अवश्य रहेंगे। परिचय में मैं अधिक न जाकर के सीधे कथा के माध्यम से भागवत की सेवा में समय देता हूं, उसके बाद शाम की बेला में आरती का जब क्रम आवेगा मैं निवेदन करूंगा, उस समय तक यदि आप रहेंगे तो अति उत्तम रहेगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को भागवत का सूक्ष्म स्वरूप बताया और उन सूक्ष्म स्वरूपों के विस्तार का इनको उपदेश करते हैं कि मैंने जो आपको बताया है आप इसका विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण मैं कैसे करूंगा? इन्होंने कहा यह कार्य तपस्या से संभव है। व्यक्ति जब तपस्वी होता है, साधक हो जाता है, उसके लिए दुर्लभ कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ कहा गया कि सिद्धिम पृच्छस्व मा विद्याम, आप किसी की सिद्धि अगर जानना चाहते हैं, किसी से कुछ जानना चाहते हैं, आप उसकी विद्या को न पूछिए क्या पढ़ा है, आप उसकी सिद्धि पूछिए, कार्य कौशल पूछिए। मुझे लगता है इसी बात को देखते हुए महात्माओं से कोई उनकी डिग्री नहीं पूछता है कि आप क्या पढ़े हैं। संतों के पास बैठेंगे, कुशल होगा, क्षेम होगा, मंगल होगा, सारी बातें होंगी, लेकिन कभी कोई संत से ये नहीं पूछता कि आपने कितना पढ़ा है। बहुत आदर का भाव आ जाए, आत्मीयता हो जाए, अपनत्व हो जाए, तब व्यक्ति भले पूछ ले, बाकी पूछता नहीं है। कारण क्या है? उसका यही कारण है, वो तो भगवान की उपासना में निरत है, उनसे विद्या को मैं क्यों पूछूं? विद्या तो परिपक्व हो गई होगी, हुई है कि नहीं हुई, हुई है वो तो अन्य विषय हुआ। श्री नारद जी ने कहा कि आप तप कीजिए, जब आप तप करेंगे तो आपको सारे के सारे स्वरूप आ जाएंगे, केवल आप लिखते जाएंगे। कौन लिखा रहा है? जब आप लिख लेंगे तब आपको आभास होगा किसी दैवी शक्ति ने किया है। अच्छे कार्य को जब आप करना प्रारंभ करते हैं, विघ्न बहुत आते हैं, कार्य सिद्ध हो जाते हैं, और बुरे कार्य को जब करना प्रारंभ करते हैं, बुरा कार्य कर भी सकते हैं, लेकिन उसके उपरांत इतने विघ्न आएंगे कि आपके सारे मार्ग बंद हो जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये अच्छे और बुरे का परिणाम है। भागवत जी का उपदेश कर दिए श्री व्यास जी। अब भागवत के विस्तार के बारे में सोच रहे हैं, किसका मैं विस्तार करूं, कहां से करूं, कैसे करूं, श्री गणेश कहां से करूं, किसकी उपासना करूं, भागवत इसका नाम है, इस भागवत में इष्ट देवता कौन होंगे,
इसके नायक कौन होंगे, आराध्य कौन होंगे, जिनके बारे में मुझको कहना है, वो कौन सा स्वरूप होगा। विचार करने के बाद उनको समझ में यही आया, इसमें तो कृष्ण भगवान का व्याख्यान होना चाहिए, कृष्ण चरित्र की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं। कृषिर भूवाचक शब्द रश्च निर्वृत्ति वाचक। अभी कुछ एक युग पूर्व, कुछ समय पूर्व राम की लीला हो चुकी थी। राम के दिव्य स्वरूप का वर्णन भी महर्षि वाल्मीकि ने श्री वाल्मीकि रामायण में कर दिया है। तो मैं किस चरित्र को करूं? महापुरुषों के चरित्र को, महापुरुषों के व्यक्तित्व का अतिक्रमण भी नहीं करना चाहिए। अगर श्री वाल्मीकि जी ने किसी ग्रंथ की रचना किया, किसी इष्ट की रचना किया, इष्ट के बारे में रचना किया, तो मैं उनका जो दूसरा स्वरूप है, क्यों ना उस स्वरूप का वर्णन करूं। ये विचार करके श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी भगवान कृष्ण के नाम का विस्तार करते हैं, भगवान कृष्ण के दिव्य चरित्र का गुणगान करते हैं, और जो गुणगान किए वही श्रीमद् भागवत के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। बाद में भगवान कृष्ण ने स्वयं उद्धव जी से एकादश स्कंध में कहा कि मैं इस स्थूल शरीर से भले ही जा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो सूक्ष्म सत्ता है वह सदैव श्री भागवत जी में समाहित रहेगा। एक भजन का हम लोग श्रवण करेंगे, इसके बाद कथा के माध्यम से आगे हम लोग यात्रा बढ़ाएंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। करुणा निधान रहुआ, करुणा निधान रहुआ, जगत के ताता है। करुणा निधान रहुआ, जगत के ताता है। श्री भगवान रहुआ, श्री भगवान रहुआ, जगत के ताता है। श्री भगवान रहुआ, जगत के ताता है। भक्त पीतुर घर कैली, प्रेम से सगवे खैली। भक्त पीतुर घर कैली, प्रेम से सगवे खैली। छोरी भगवान रहुआ, छोरी भगवान रहुआ, जगत के ताता है। श्री भगवान रहुआ, जगत के ताता है। मार दिहनी गज के उपार दिहनी, ग्राह के मार दिहनी गज के उपार लेहनी। की बात समान रहुआ, की बात समान रहुआ, जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ, जगत के दाता है। केवट से चरण धोवली, पीठ पति ही ये लगौली। वट से चरण धोवली, गीत पति ही ये लगौली। जाने जहान रहुआ,
जगत के दादा हई करुणा निधान रउआ जगत के दादा हई। मैया से बड़ी घर गईली झूठ पेड़ को खैली। मैया से बड़ी घर गईली झूठ पेड़ को खैली। अरे कई के पखान रहुआ जगत के दाता है। कई के पखान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आज जो भागवत जैसे महापुराण की रचना किया भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास और इतने बड़े ज्ञानी को जिसने उपदेश दिया तो वे कितने बड़े ज्ञानी रहे होंगे एक प्रश्न का तो विषय है ही। और महात्मा नारद के बारे में तो किसी से परिचय कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। नारद जी को कितना ज्ञान और कितने अनुभवी और भगवान के स्वयं वे समीप जाने वालों में से एक हैं। नारद जी हुए कैसे? नारद जी क्या साक्षात सीधे जन्म लेने के बाद भगवत साक्षात्कार संपन्न हो गए? ऐसा नहीं है। नारद जी भी बहुत से कष्टों को पाए होंगे। कितने जन्म उनके बीते। माँ एक तपस्वी के यहाँ रहा करती थी। जंगल में बहुत से लोग संत महात्मा महात्माओं के आश्रम में जाते थे। कुछ महात्मा दूसरे महात्मा के यहाँ, कोई महात्मा अन्य महात्मा के यहाँ यात्रा करते थे। उसी यात्रा में कई संतगण उस स्थान पर आए जहाँ पर नारद अपनी माँ के साथ रहा करते थे और उनकी माँ किसी संत के संरक्षण में रहा करती थी। एक बार की बात, चातुर्मास्य का व्रत हुआ। हमारी जो परंपरा है, हम सन्यासी परंपरा से हैं। हमारे बाबा गुरु के गुरुजी और भी कितने आचार्य हैं कि जो सन्यास दीक्षा लिए हुए रहे। आज भी कई ऐसे आचार्य हैं जो सन्यास दीक्षा में दीक्षित हैं। तो कई सन्यासी लोग आए चातुर्मास्य किए और चातुर्मास्य करके जब जाने लगे नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी उनके साथ रहते थे, उनके जूठन को खाते थे। जूठन के लिए कहा गया स्वच्छ सिस्टम नहीं भुंजीत, अपना भी जूठा नहीं खाना चाहिए। दाक्षिणात्य परंपरा में आज भी भोजन करते समय उठाएंगे और अंगुली का स्पर्श मुख से नहीं होता है, उठाएंगे और सीधे अंदर डाल देंगे, अंदर चला जाएगा। हमारे यहाँ जो उत्तर भारतीय परंपरा में है ये भोजन करते समय अंगुली को मुख में ले जाते हैं। लेकिन दक्षिणी स्वामी लोग जो हैं वे भोजन करते समय भोजन को गोला बनाएंगे ग्रास और अंदर डाल देंगे, सीधे अंदर चला जाएगा। सोच सिस्टम नहीं भुंजीत, अपना भी जूठा नहीं खाना चाहिए। जल पीते समय के लिए बताया गया कि जो पानी पीने के बाद बचा हुआ हो उस पानी को नहीं पीना चाहिए। पीत से संपाद से सम संध्या से सम तथैव च। बहुत से लोग होते होंगे कि संध्या किए, संध्या तो अब ऐसी स्थिति होती जा रही है कि संध्या माने अगरबत्ती जला दीजिए संध्या हो गई। संध्या माने अगरबत्ती जला दिए संध्या हो गई, जो कि संध्या का अर्थ है सूर्य को उपासना किया जाएगा, सूर्य को जल दिया जाएगा, मंत्र का जप किया जाएगा, उसकी जो विधाएं हैं उसको पूरा किया जाएगा। तो संध्या के जल को लोग सोचते हैं बहुत से कि मैं संध्या किया जल तो बढ़िया है, शुद्ध है, पूजा का जल है, उसको लिए और पी लिए।
वो जल कभी नहीं पीना चाहिए। पीत से सम पानी आपने पिया, पीने के बाद बचा उसको फिर दोबारा ना पिए, दोष माना जाएगा। पाद से सम आपने पैर धुला, पैर धुलने से जो शेष जल बचा उसको कभी नहीं पीना चाहिए। और संध्या शेषम तथा बचा, संध्या करने से जो जल बचा उस जल को भी नहीं पीना चाहिए, ये नियम है। नारद जी महात्माओं का उच्छिष्ट भोजन करते थे, लेकिन संतों के लिए गुरु का उच्छिष्ट भोजन करना एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है। जब मैं गुरु के उच्छिष्ट को लेता हूँ हमको उनमें से कृपा मिलेगी, एक पवित्रता मिलेगी। नारद जी चार महीने के व्रत में महात्माओं के उच्छिष्ट भोजन को करते करते अंतःकरण काफी निर्मल हो चुका था। संतों का जब गमन होने लगा, इन्होंने सभी से निवेदन किया कि मैं आपके बिना रहूंगा कैसे। महात्माओं ने कहा कि तुम रहोगे, एक मंत्र दे दिया और उसी मंत्र का नारद जी जप करने लगे। एक समय आया, माँ किसी कार्य में थी, शाम की बेला माँ को सांप ने काट लिया, बच्चा भी छोटा है, सांप काट लिया है। बच्चे के सामने तो एक बहुत बड़ा भयावह दृश्य आ गया, अब करेगा क्या, किसका आश्रय लेकर के रहेगा, किसके संबल में रहेगा, संरक्षण किसका प्राप्त होगा। लेकिन नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं, माँ के मृत्यु की सूचना पाते ही नारद जी खुश हो गए। नारद जी ने कहा बहुत अच्छा हुआ, कम से कम एक मेरे मार्ग में व्यवधान हो रहा था, ये व्यवधान चला गया, या मेरे लिए सुखद है। गए, रास्ते में जा रहे थे, जंगल मिला, जंगल में कोई वृक्ष इनको प्रिय लगा, उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। और बैठ करके आचार्य महापुरुष जिसने कृपा किया हो, जो मंत्र दिया था उसी मंत्र का जप करने लगे। ज्यादा संख्या में जप किए, आंख बंद करके जप किए थे, कर रहे थे, जप कर रहे थे। उसी बेला में इनके सामने एक दिव्य झलक दिखी, जो दिव्य झलक दिखी उसको देखने का ये बार बार प्रयास कर रहे हैं कि अभी अभी मैंने जिसका अवलोकन किया दोबारा मैं उसको देखूं, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। नारद जी बाल भाव में थे, बहुत चिंतित हुए, लेकिन वो दिखा नहीं। जब वो नहीं दिखा, व्याकुल मन इनका काफी खिन्न हुआ। इनके अंतःकरण में एक आवाज आई, आप जो सुनना चाह रहे हैं, जो देखना चाह रहे हैं, जिसका अनुभव करना चाह रहे हैं, वह अभी नहीं, कभी तुमको संभव होगा। नारद जी वहां से आगे बढ़ते हैं। समय आया, शरीर छूटा, समय आया, ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हुए। और इतनी इनके ऊपर भगवत कृपा कि जो एक झलक केवल देख पाए थे, वही नारद कितनों को भगवान का दर्शन करा दिए, प्रहलाद को दर्शन करा दिए, ध्रुव को दर्शन करा दिए, कितने संतों को, महात्माओं को उस परम पिता परमात्मा के मार्ग का पथिक बना दिए। ये नारद जी का वैदुष्य है, ये नारद जी का त्याग है, ये नारद जी के ऊपर भगवान की जो कृपा हुई थी उस कृपा का परिणाम है। नारद जी श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को सारी बात बता दिए। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने बाल लीला में प्रवेश करना चाहा, फिर उनके मन में आया कि बाल लीला का प्रवेश यदि मैं करूंगा, भगवान कृष्ण के प्राकट्य के बारे में कहूंगा, तो उससे अच्छा है कि पहले मैं उसके महात्म्य को कहूं। किसी के बारे में पहले आप बताएंगे और तब उससे परिचय कराएंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। आप प्रयाग आ रहे हैं, प्रयाग की महत्ता पहले आपको मालूम हो जाए। अगर प्रयाग के बारे में आप जान गए और जान करके आए, तब वह दूसरा प्रभाव रहेगा। कुछ नहीं जान रहे हैं, आए और उतर गए, अगला पूछे आप कहाँ आए हैं, आप आ गए हैं, क्या बह रहा है, कौन सी नदी है, एक नदी है, नहा लीजिए, नदी में स्नान किया और वो चला गया।
जब तक परिचय नहीं होगा, जब तक महात्म्य के बारे में आप परिचित नहीं होंगे, तब तक वह प्रभाव आपके मन मस्तिष्क में हृदय में नहीं हो पाएगा। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी पहले परिचय भाग में आते हैं, महात्म्य में आते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर विजयी होते हैं, दुर्योधन 100 भाई सहित पराजित होते हैं, पितामह भीष्म भी जिनकी रक्षा में थे वे पितामह भीष्म भी पराजित हो जाते हैं, आचार्य द्रोण जिन्होंने सारे अस्त्र शस्त्र सिखाए थे, बल्कि ये कहें अस्त्र शस्त्र और सारे शास्त्रों का जिन्होंने अध्ययन कराया था वे आचार्य द्रोण पराजित हो जाते हैं, कुलगुरु कृपाचार्य भी पराजित हो जाते हैं। किससे पराजित हुए? 5 भाइयों से पराजित हुए और उसमें भी अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्री अर्जुन जी। अर्जुन का साथ किससे था? अर्जुन का साथ श्री कृष्ण से था। कृष्ण का परिचय क्या है? कृष्ण है कौन, कैसे हैं? कृष्ण के बारे में बताए कि सबसे पहला परिचय कृष्ण का है कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो कृष्ण हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे जगत गुरु हैं, सारे जगत के लिए वे श्रेष्ठ हैं। कृष्ण का अर्थ क्या हुआ? आपने तो बता दिया कि मैं कृष्ण को नमन कर रहा हूँ। जो कृष्ण जगत गुरु हैं, ऐसे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का मैं नमन कर रहा हूँ, सत्य है। लेकिन कृष्ण का वास्तविक विश्लेषण किया जाए, वास्तविक विश्लेषण करते हैं कि कृष्ण भूवाचको शब्द निर्वृत्ति वाचक तयोरेक्यं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण माने भूवाचक शब्द है, भू माने सत्ता, जो सदैव सत्तासीन हो, जिसका प्रभाव सदैव विद्यमान हो। आप देख लीजिए, कृष्ण जेल में बंद हुए, कारागार में जिनका जन्म हुआ और लालन पालन एक सीढ़ी आगे बढ़ गए। जो बच्चा कैद खाने में जन्म लिया हो उसको एक दूध नहीं मिलना चाहिए, एक बूंद दूध भी नहीं पा सकता। लेकिन भगवान कृष्ण क्या होता है, कृष्ण के लिए क्या होता है? जन्म तो लेते हैं कारागृह में, और सूर्योदय जब हुआ तो लाखों गायों के मालिक नंद के घर में बैठे हुए हैं। एक गाय नहीं, लाखों गायें इनको दूध देने के लिए खड़ी हैं। एक कृष्ण का कृष्णत्व तो है। और आगे आप देखें, चरवाहे से यात्रा करते हैं और यज्ञोपवीत संस्कार जिस समय इनका हुआ उज्जैनी में महर्षि सांदीपनि के आश्रम में, अल्प समय में जाते जाते 64 कलाओं को प्राप्त कर लेते हैं। बदले में गुरुदक्षिणा देने की जब बात आई, गुरु माता के इच्छा की पूर्ति के लिए गुरुवर ने नहीं कहा, आचार्य प्रवर ने नहीं कहा, माँ ने जिज्ञासा किया कि जो मेरा पुत्र समुद्र में डूब गया था वह वापस आ जाए। भगवान कृष्ण गुरु ऋण से मुक्त हो जाते हैं और लोग उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उत्तराधिकार में नहीं पाते हैं, बल्कि अपने नाना को राज्य सिंहासन पर बैठाते हैं। पिता का परिचय पुत्र के नाम पर हो रहा है। वह पिता उस दिन भाग्यशाली हो जाता है जिस दिन उसका परिचय उसके पुत्र के नाम से कराया जाए। कौन है भैया? ये फला के पिता है। अच्छी बात, बुरी में नहीं। जिस दिन पिता का परिचय पुत्र की योग्यता से कराया जाए, पुत्र के बड़प्पन से पिता का बड़प्पन बढ़े, जान लीजिए पिता उसी दिन भाग्यशाली हो गया। जिस दिन गुरु को शिष्य के परिचय से परिचित होना पड़े, जान ले कि उसी दिन गुरु की गुरुता वास्तव में गुरुतर हो गई। हमारे यहाँ एक बात कही गई है कि सर्वत्र विजयम इच्छेत शिष्यात् पुत्रात् पराजयम्। सारी जगहों पर आप जाइए और मन में बना करके रखिए कि मेरा ही ध्वज वहां पर रहेगा, मेरा ही झंडा वहां पर फहराएगा। लेकिन जिस दिन आपका विद्यार्थी, आपका शिष्य
आपसे प्रश्न करे और आपका मथा उस समय पुरानी बातों का स्मरण करने लगे कि कहां पर इसका निर्णय मिलेगा। आप जान लीजिए कि मेरा शिष्य मुझसे योग्य है, वो सराहनीय है। जिस दिन आपको आपके पुत्र के द्वारा आभास हो जाए कि मेरा पुत्र मुझसे अधिक योग्य हो गया है, वो आपका सौभाग्य का दिन है। इस बात की पुष्टि शास्त्रकार ने लिख करके किया कि सर्वत्र विजयम इच्छेत शिष्यात् पुत्रात् पराजयम्। हर जगह आप विजय चाहिए, लेकिन शिष्य और पुत्र से अपने आप को पराजित होने में गौरव समझिए। ये बड़प्पन है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो वह दोष है। इस महाभारत के युद्ध में यही हुआ, सारे लोग हार गए। अर्जुन सभी लोगों को परास्त करने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अर्जुन का साथी कौन है? कृष्ण। और कृष्ण है कैसे? सत्तासीन रहने वाले हैं। जहां गए वहीं पर सत्तासीन हो गए। ये नाना के गद्दी पर नहीं बैठे, गद्दी पर नाना जी को बैठाते हैं। इनका परिचय पिता के नाम से नहीं होता है, इनका परिचय, इनके परिचय से पिता का परिचय बढ़ता है। इन्होंने बाद में पिता को महत्व दिया। वसुदेवस्य गोत्रापत्यम पुमान वासुदेवः, पहला नाम तो इनका कृष्ण ही है। गर्गाचार्य के द्वारा, पुरोहित प्रवर के द्वारा जो नामकरण संस्कार किया गया वह तो कृष्ण ही था, और बाद में इन्होंने अपने नाम को प्रसिद्ध वासुदेव से कराया। तो ऐसे हैं कृष्ण। महाभारत का युद्ध हुआ, सारे लोग पराजित हो चुके हैं, दुर्योधन पक्ष के लोग। उसमें से ये लोग गए, पांडव लोग। महाभारत का युद्ध हो चुका है, सारे लोग परास्त हुए हैं। आज अंतिम दिन की बात, अंतिम दिन श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आज मेरी इच्छा है कि हम यहाँ निवास नहीं करेंगे, मुझको कहीं अन्यत्र चलना है। रथ पर चढ़ गए, पांचों भाइयों को रथ पर बैठा लिए और शिविर से, युद्ध स्थल से दूर चले जाते हैं, काफी दूर चले गए। रात्रि विश्राम वहां पर करने लगे। कौरव पक्ष से लड़ने वाले योद्धाओं में बहुतायत मार दिए गए थे, गिने चुने लोग बचे थे। उन बचे हुए में अश्वत्थामा भी बचे थे, कृतवर्मा भी बचे थे, कृपाचार्य बचे थे। ये तीनों लोग आपस में बैठ करके विमर्श कर रहे हैं कि क्या हम लोग करें कि जिससे पांडवों को आज भी ध्वस्त कर दें। विचार करते 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 अश्वत्थामा ने भगवान शिव की उपासना प्रारंभ कर दिया। भूत भावन भोलेनाथ प्रकट हुए। इन्होंने कहा कि आप मुझको एक ऐसा बल दीजिए जिस शक्ति के प्रयोग से सारे के सारे पांडवों को मैं नष्ट कर दूं। शिव जी ने कहा, यह संभव नहीं है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। गीता की जो यह बात, गीता की जो यह अर्धाली, इसको पुष्ट करते हैं भगवान श्री भोलेनाथ मृत्युंजय, कि जहां पर अर्जुन और कृष्ण दोनों एक साथ में विद्यमान हैं, वहां पर जाकर के कोई उनको नष्ट कर दे संभव नहीं। उन्होंने एक इनको अस्त्र दिया, तलवार दिया और कहा, यह तलवार लेकर के आप जिसके ऊपर भी प्रयोग कर देंगे वह व्यक्ति बचेगा नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम पांडवों को नष्ट कर दोगे, लेकिन यह सत्य है कि इस तलवार से तुम जिसको मारोगे वो बचेगा नहीं। तलवार लेकर के चले आते हैं। रात्रि का समय, सारे लोग विश्राम किए हुए हैं। यहाँ आने के पहले दुर्योधन के पास गए। यहाँ माने पांडवों के शिविर में, पांडवों के शिविर में आने के पहले दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन से आज्ञा लेते हैं कि राजन, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, आप
धृतराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप निर्णय करिए कि सेनापति कौन होगा, किसके संरक्षण में सेना रहेगी, अगुआ कौन होगा। दुर्योधन ने अपने रक्त रंजित उस रक्त को उठाया, मस्तक पर अंगूठे से तिलक लगाया और कहा, मैं तुमको अधिकार देता हूँ, जीत जाना, विजयी हो जाना, सारा राज्य तुम्हारा है। पराजित हो जाते हो तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अश्वत्थामा आए पांडवों के शिविर में, सारे लोग सोए हुए थे। पांचों पांडवों के अंश से द्रौपदी के जो पांच पुत्र थे, उन पांचों पुत्रों को पांच पांडव समझ करके एक एक के सिर का कर्तन कर देते हैं, सिर काट देते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर का सिर काट रहे हैं, उसके बाद भीम का, अर्जुन का, नकुल और सहदेव का, पांचों भाइयों का सिर काट दिए और पांचों सिर लेकर के गए युद्ध के क्षेत्र में। पड़े हुए दीनहीन स्थिति में दुर्योधन और उन दुर्योधन को दे देते हैं, महाराज लीजिए यह सिर, आपके शत्रुओं का सिर मैंने काट करके आपके सामने रख दिया, जो चाहे करें। दुर्योधन ने पांचों सिर को देखा और देख करके भीम के सिर को हाथ पर लिया और हाथ में लेकर जोरों से दबाया कि जिसके सिर को मैंने युद्ध स्थल में नहीं कुचल पाया था, उस सिर को मैं आज युद्ध के मैदान में ही कुचल रहा हूँ। भले लड़ते लड़ते नहीं कुचल रहा हूँ, लेकिन सिर को तो कुचल रहा हूँ। सिर को दबाया और जैसे सिर को दबाया, सिर फूट गया। दुर्योधन को आश्चर्य हुआ कि यह सिर भीम का नहीं हो सकता। रात्रि के उस समय में चंद्रमा के प्रकाश से किसी तरह से दिखाई पड़ने वाले उस सिर को जब देखा तो कहा, अरे धोखा हो गया, आप तो जिसको मारने गए थे वो नहीं, ये तो कोई दूसरा है, ये भीम का पुत्र है, ये तो पांचों पांडवों के पुत्र हैं। अंतिम समय में यथार्थ सामने आ जाता है। आज दुर्योधन बार बार सोच रहा है, अब होगा क्या, अब तो मेरा वंश डूबने जा रहा है, मेरे यहाँ लुप्त पिंडोदक क्रिया हो जाएगी, पिंडोदक कौन देगा, पिंडदान करने वाला भी अब कोई नहीं रह जाएगा, मेरा तो वंश निर्मूल हो गया। दुखी हो गया, रोने लगा। दुर्योधन को एक और बात थी, उसको एक साथ दो घटनाएं अगर होंगी उसी क्षण में अति प्रसन्नता और उसके उस कुछ ही अंतराल में अति खिन्नता, जब दोनों एक साथ होएगी तभी दुर्योधन की मृत्यु होगी। बहुत प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता यह हुई पांडव मारे गए, दुख यह हुआ कि पांडव नहीं, पांडव के पांचों कुमार मारे गए, अब कोई वंश में पिंडदान करने वाला नहीं होगा। सोच करके दुर्योधन बहुत फटकारता है अश्वत्थामा को और उसका शरीरांत वहीं पर हो जाता है। अश्वत्थामा भग करके आते हैं व्यास सरोवर के पास, अंदर में समाहित हो व्यास जी के आश्रम के पास में आए और इधर सुबह की बेला में भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को रथ पर बैठा करके शिविर में आए। शिविर में आया हुआ देख करके द्रौपदी जी रुदन करने लगी, रो रही हैं और उनको रोता हुआ देख करके भीम ने निर्णय लिया कि मैं अब जा रहा हूं और अश्वत्थामा को नष्ट करूंगा। चल पड़ते हैं मारने के लिए। कुछ ही दूर गए थे, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन भीम जिसको मारने जा रहे हैं, भीम के सामर्थ्य में यह नहीं है कि जाएं और अश्वत्थामा को वध कर दें। अश्वत्थामा चिरजीवी हैं, अश्वत्थामा बलिर व्यासो, अश्वत्थामा चिरजीवियों में से हैं, उसको मार नहीं सकते हैं, एक चीज। और दूसरी बात, अश्वत्थामा के द्वारा किए गए शस्त्र प्रहार का ये अपने ऊपर वहन भी नहीं कर पाएंगे। जिस महाभारत के युद्ध में मैंने सारे के सारे भाइयों को बचा लिया, नारायण अस्त्र से बचा लिया और कितने कितने अस्त्र शस्त्र से हमने आपको सुरक्षित किया, आज वो समय आया आने वाला है कि यदि आप सावधानी से नहीं पहुंचेंगे, तत्काल क्रिया नहीं आगे बढ़ा देंगे,
तो पांच में से एक की मृत्यु हो जाएगी। रथ पर बैठे, रथ पर बैठा करके गति बढ़ा करके शीघ्रातिशीघ्र जहां भीम पहुंचे थे, भीम से कुछ दूर आगे अश्वत्थामा खड़ा था, वहां पहुंच गए। पहुंचते समय वहां देख रहे हैं अश्वत्थामा ने एक दिव्य अस्त्र का संधान किया। वह अस्त्र उन्होंने छोड़ा और छोड़ करके कहा था कि जाओ पांडवों का सर्वनाश कर दो। अस्त्र चला आ रहा है, वह ब्रह्मास्त्र जब इनके पास में आने लगा, श्री कृष्ण जी ने कहा हे अर्जुन इस अस्त्र का संधान कीजिए, इस अस्त्र को नष्ट कीजिए। अर्जुन ने कहा महात्मन मैं कौन से बाण का संधान करूं इसके लिए। कृष्ण ने कहा आप अब ब्रह्मास्त्र का संधान कीजिए। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों शक्तियां आपस में मिलने वाली ही थी, दोनों शक्तियों का संघर्ष आपस में होने वाला था। उसी समय श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, पराशर जी, वशिष्ठ इत्यादि ब्रह्मर्षियों ने जाकर के दोनों बाणों के बीच में खड़े हो गए और कहा अर्जुन तुम तो अस्त्र शस्त्र की महिमा को जानते हो, तुम कुशल धनुर्धर हो। कुशल धनुर्धर का अर्थ यह नहीं कि तुम केवल बाण ही चलाना जानते हो, बाण कैसे चलाना चाहिए, बाण चलाने का अवसर कौन सा है, किस अवसर पर इसका संधान किया जाए, इसको तो तुम जानते हो, क्यों इस बाण को चला दिए। इस बात को जब इन्होंने कहा, महर्षियों ने यह भी कहा कि जिस बाण को चलाए हो उस बाण को वापस करिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, पूरा पूरा पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा, महाप्रलय का स्वरूप सामने हो जाएगा, जो सर्वनाश इतने बड़े युद्ध में नहीं हुआ, भयानक विश्व युद्ध हुआ, सर्वनाश नहीं हुआ, केवल नाश हुआ, वह सर्वनाश ये दोनों अस्त्र आपस में जब टकराएंगे तो हो जाएगा। अपने अस्त्र को अर्जुन तुम वापस ले लो। अर्जुन ने कहा ठीक महाराज मैं वापस ले लूंगा, लेकिन मैं वापस ले सकता हूं, जो आगे अश्वत्थामा ने चलाया है वह कैसे वापस होगा। अश्वत्थामा से पूछते हैं अश्वत्थामन इस चलाए हुए बाण को तुम वापस कर सकते हो। अश्वत्थामा ने कहा कि संधान की विधा हमको मालूम है, लेकिन वापस करने की विधा मुझको नहीं मालूम है। बाण चला सकता हूं, लेकिन चलाने के बाद बाण को प्रत्यावर्तन कर लूं, ये विधा यह गुण मेरे में नहीं है। पिताजी ने सिखाया ही नहीं कभी, मैंने सोचा ही नहीं था कभी ऐसा भी होगा। अर्जुन से पूछे अर्जुन तुम बताओ। अर्जुन ने कहा मैं तो जानता हूं, हमको गुरु जी ने बताया था कि आवश्यकता पड़ने पर बाण को चलाइए और अति आवश्यकता हो जाए कि बाण चलाना ठीक नहीं है तो बाण को वापस ले लीजिए, मैं इस कला को जानता हूँ। महर्षियों ने कहा बाण चलाने के बाद वही व्यक्ति वापस ले पाएगा जिसके अंदर ए बातें हों। कौन कौन सी बातें हों भाई? कहा कि जो व्यक्ति कभी सोया ना हो, जो व्यक्ति ब्रह्मचारी हो, जो व्यक्ति गुरु के प्रति स्वप्न में भी निंदा का भाव न रखा हो, जो व्यक्ति पर नारी के प्रति कभी भी वासना की भावना न रखा हो, ऐसी भावनाओं का जो व्यक्ति होगा वही चलाए हुए बाण को वापस कर सकता है। श्री अर्जुन जी ने कहा कि जितनी बात आप कह रहे हैं ये सारी बात मेरे में है। कैसे है? कहा कि मैं अपना परिचय कभी भी माता और पिता के नाम से नहीं देता हूँ, मैं अपना परिचय गुरु के नाम से देता हूँ। कहीं भी मुझसे कोई पूछता है तो मैं यही कहता हूँ द्रोण शिष्य अर्जुन। अर्जुन अपना परिचय पांडु पुत्र के नाम से नहीं देते थे, अर्जुन अपना परिचय कुंती पुत्र प्रथा पुत्र के नाम से नहीं देते थे, अर्जुन अपना परिचय यदि देते थे तो द्रोण शिष्य के नाम से देते थे। गुरु के प्रति मैंने कभी भी निष्ठा में कमी नहीं लाई, गुरु से मैंने युद्ध किया, चाहे विराट के यहाँ का प्रसंग हो, चाहे महाभारत के युद्ध का प्रसंग हो,
प्रसंग चाहे जो भी हो, युद्ध भी मैंने किया, लेकिन युद्ध करते समय अनुमति लेकर के किया, आशीर्वाद लेकर के किया, प्रणाम करने के बाद ही युद्ध किया। और आगे की बात आई निष्ठा की, तो निष्ठा में इससे बढ़कर पुष्टि का उदाहरण आप नहीं पाएंगे। बात आई ब्रह्मचर्य की, वासना कभी नहीं हुई पर नारी के प्रति, इसका ज्वलंत उदाहरण जब श्री इंद्र के यहाँ, देवराज इंद्र के यहाँ अर्जुन गए हुए थे, अस्त्र शस्त्र भी सीख रहे थे देवताओं के यहाँ, सीखते समय एक समय कोई बात आया इंद्र की सभा में, एक देवांगना आई उर्वशी, और उर्वशी ने आकर के इनको आकृष्ट करना चाहा, अर्जुन ने उसको वापस कर दिया कि आपका भ्रम है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य से प्रभावित हूं, मैं तुमको इंद्र की तरह सम्मान देना चाहती हूं। अर्जुन ने कहा कि तुम क्या कहना चाहती हो, तुम हो कौन मेरे लिए, तुम मेरे लिए आदरणीय हो, इंद्र की अगर सहचरी हो, इंद्र मेरे पिता हैं। उसने कहा यह देव लोक है, यहाँ कोई संबंध नहीं चलता। इन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा कि मैं मृत्यु लोक का व्यक्ति हूँ और सदेह आया हूँ, जब स्वर्गवासी होऊंगा तब यह कहा जा सकता है। दूसरी चीज और जान लीजिए, जब नर नारायण तपस्या कर रहे थे श्री बद्रिकाश्रम में, उस समय रंभा नाम की अप्सरा गई हुई थी नर नारायण को मोहित करने के लिए, तपस्या से विचलित करने के लिए। और जब नर नारायण तपस्या से विचलित नहीं हुए, वीरत नहीं हुए, वो आई क्षमा मांगी, तब भगवान ने, नारायण ने अपने उरु से एक सुंदरी को उत्पन्न किए जिसका नाम उर्वशी था, और वही उर्वशी आज इंद्र लोक में, इंद्र की राजधानी में, इंद्र के राजभवन में श्री अर्जुन के पास में आई है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं नर नारायण में का नर हूं और वे नारायण थे, तुम मेरी पुत्री हो। क्या ऐसा भी कोई आत्मताई होगा जो पिता अपने पुत्री के प्रति आसक्त हो जाए, ये भी एक उसका कारण है। तो इससे बढ़कर के ब्रह्मचर्य में कुशल कौन हो सकता है, अर्जुन ज्वलंत उदाहरण है। अर्जुन गुरु निष्ठा में कभी कमी नहीं किए, भागते हुए पर कभी भी इन्होंने बाण नहीं चलाया, अस्त्र का प्रयोग रक्षा के लिए इन्होंने किया, ब्राह्मण की रक्षा में, गौ की रक्षा में, ये जंगल तक चले गए थे। जो इनके यहाँ एक नियम था कि जो व्यक्ति उस समय द्रौपदी के साथ बैठा रहेगा, एकांतवास में रहेगा, बाहर वह अपनी पादुका रखा रहेगा, और उस पादुका को देख करके भी कोई यदि कच्छ में प्रवेश कर गया, उसको जंगल जाना पड़ेगा, नियम बन गया था। अंदर में युधिष्ठिर थे बैठे हुए, आपत्ति ग्रस्त ब्राह्मण के रक्षार्थ श्री अर्जुन जी अपने लेने के लिए, धनुष को लेने के लिए, बाण को लेने के लिए कक्ष में प्रवेश करते हैं। इसको मुझसे दूर रखिए, मेरा स्पर्श होते बिगड़ जाता है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ये तो आज बिगड़ा है ना, बच्चा है बिगड़ गया है, क्या करेंगे, अपने ही बिगड़ते हैं ना, अपना बाजा है, बच्चा है बेचारा बिगड़ गया है, क्या करें, बच्चा है दो ही बिगड़ते हैं, दो के बिगड़ने पे बुरा नहीं मानना चाहिए, तो बच्चा नहीं बूढ़ा है। जय हो। कोई बुजुर्ग नाराज भी हो जाए तो उसकी बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। अब बाजा है, माइक है, बेचारा बूढ़ा हो गया है, अगर बिगड़ ही जाए तो इसको हम क्यों डांटे, साथ तो हमारा यही दे रहे हैं। बोलिए बाजा महाराज की जय हो। महाराज और क्या
अर्जुन ने उर्वशी के सारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ये दिखा दिया कि यह स्वरूप है, ऐसे होना चाहिए। और युधिष्ठिर के कक्ष में प्रवेश किए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए गए थे, शर्त के अनुसार इनको वनवास जाना पड़ा, जंगल चले गए। लोगों ने रोका भी, युधिष्ठिर ने भी कहा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, कह रहा हूँ रुक सकते हो रुकिए। इन्होंने कहा बंधुवर बड़े भाई आप अब ऐसा ना कहें, जो नियम है वो नियम है, और जंगल चले जाते हैं। अर्जुन की तरह कौन होगा, सारी शर्तें अर्जुन में एक साथ समाहित थी। अर्जुन ने अपने द्वारा छोड़े गए उस ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया और अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ बाण सीधे पांडवों के कुल का जो एक मात्र अवलंब था, उत्तरा के गर्भ में पलने वाला शिशु, उस शिशु के गर्भ में प्रवेश करता है। कृष्ण ने कहा कि तुम जाओ और मैं रक्षा करूंगा, क्योंकि भगवान रक्षक हैं। भक्त को विश्वास रहता है कि रक्षिष्यति इति विश्वासः गोपतृत्व वर्णम तथा, भगवान मेरी रक्षा करेंगे ये विश्वास रहता है। और मैं पालक हूँ, पालनहार हूँ, मेरे रहते हुए उस शिशु का कभी भी निधन नहीं हो सकता। उत्तरा चिल्ला रही है, ज्वलन हो रहा है शरीर में, ब्रह्मास्त्र उसके शरीर में प्रविष्ट होने वाला है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप में जाकर के गर्भ की रक्षा करते हैं। सुदर्शन चक्र चारों तरफ से घूमते हुए गर्भ की रक्षा किया, बच्चे का जन्म हुआ यथा समय। जन्म हुआ, लोग बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित के जन्म के बाद बड़ा उत्सव मनाया गया, लोगों ने उल्लास मनाया, खुशी मनाई। एक प्रसंग और इसी में चलते हुए हम ले चल रहे हैं। श्री भीष्म जी सरसैया पर पड़े हुए हैं, उनसे अगर कोई सोच रहा है कि बाबा जी कब शरीर छोड़ेंगे, वो कहते हैं कि समय की प्रतीक्षा कीजिए, समय की प्रतीक्षा कीजिए। भीष्म समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मृत्यु आकर के उनके सामने खड़ी है, हाथ जोड़ती है मृत्यु, पितामह मैं आपको कब ले चलूंगी। कहते हैं कि शांत होकर के तुम बैठो। आश्चर्य होता है कि आपका भारतवर्ष ऐसे तपस्वियों, महर्षियों, मनुष्यों के द्वारा पोषित है कि जहां पर मृत्यु भी आकर के हाथ जोड़ती है कि मैं आपको लेना चाहती हूँ, आप कब चलेंगे। ये प्रताप किसका है, यह प्रताप, यह प्रभाव, यह शक्ति माता पिता की सेवा के परिणाम का है। जिस व्यक्ति ने अपनी सारी की सारी भावनाओं को पिता के चरणों में अर्पित कर दिया, वह भीष्म क्यों नहीं मृत्यु को प्रतीक्षा की सूची में बैठा सकेंगे, अवश्य बैठाएंगे। मृत्यु बार बार पूछती है, इन्होंने कहा है मृत्यु की अधिष्ठात्री देवी, तुम तब तक मेरे पास नहीं आओगी जब तक मेरे संकेत को नहीं पाओगी। समय आया, आज की बात, श्री कृष्ण जी अपने मित्र मंडली के साथ, बड़े भाई युधिष्ठिर, मझले भाई भीम, सखा अर्जुन, दोनों छोटे भाई नकुल और सहदेव, साथ ही साथ महारानी द्रौपदी और भी कई लोग रहे होंगे, सारे लोग आ जाते हैं कुरुक्षेत्र के उस स्थल पर जहाँ पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या यूं कहें उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब मुझे जाना चाहिए। उसी समय सारा समूह आकर के सामने उपस्थित हो गया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर अब तुम द्वापर युग के अंतिम सम्राट के रूप में भारत में प्रतिष्ठित होने जा रहे हो, युग युग तक तुम्हारे नाम को लोग सुनेंगे और तुम्हारे क्रियाकलाप के आचरण को आदर्श मानेंगे। आज एक युग का अंत होने जा रहा है, और अंत ही नहीं, एक युग पुरुष भी उस युगांत की बेला में काल कवलित होने के लिए खड़ा हुआ है। जो न्याय का विद्वान, धर्मशास्त्र का विद्वान, अर्थशास्त्र का विद्वान,
और रण क्षेत्र का महाविद्वान महापंडित जिसने कभी पीठ नहीं देखा है, जिसके सामने इंद्र भी यदि आ जाए अस्त्र शस्त्र लेकर के, इंद्र को सोचना पड़ेगा कि मैं कब तक इनके सामने रह पाऊंगा। जिनके सामने सारे के सारे देवता आकर के युद्ध करें, वह भी सोचेंगे कि मैं कितनी देर तक भीष्म के सामने रह पाऊंगा। आज वे भीष्म एक साथ कई कई गुणों को लेकर के जाने वाले हैं, आप इनसे ले लीजिए। आप राजनीति सीखिए, धर्मनीति सीखिए, अर्थनीति सीखिए, शासन चलाया कैसे जाता है उसको सीखिए, परिवार को चलाया कैसे जाता है उसको सीखिए, वचन दे देने के बाद में उसका निर्वाह कैसे किया जाता है इसको सीखिए। इन्होंने पिता को वचन दिया था कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, पूरा जीवन निर्वाह कर दिए। इन्होंने पिता को वचन दिया था कि इस हस्तिनापुर के गद्दी पर जो गद्दी नसीन रहेगा मैं सिंहासन की रक्षा करूंगा, वह छोटा सा बच्चा ही क्यों नहीं होगा, उसका आदेश मैं शिरोधार्य रखूंगा। पूरा जीवन इन्होंने कर दिया। भरी सभा में युधिष्ठिर के साथ अन्याय होता रहा, पितामह भीष्म देखते रहे, कभी विरोध नहीं किए। अगर भीष्म डांट देते, साहस नहीं था कि दुर्योधन उसको कर लेता, धृतराष्ट्र करने देता, लेकिन सिंहासन का विरोध नहीं करूंगा, जो वचन दिया पूरा जीवन निर्वाह किया। कृष्ण ने कहा युगांत होने जा रहा है, चलो और चल करके आप अनुकरणीय जो विषय है उसको ग्रहण कर लीजिए। जा करके पहुंचते हैं, पितामह भीष्म से इन्होंने कहा, प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने बड़ी मनोहर स्तुति किया, कई श्लोकों में स्तुति किया और यही कहा कि हे विजय सखे। यहाँ विजय सखे कहते हैं जो सदैव अर्जुन कह के बुलाया करते थे, अर्जुन का एक पर्यायवाची नाम विजय भी, वो कहते हैं विजय सखा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्पष्ट है कि विजय सखा, आपका सखा वही होगा कि जो सदैव विजयी हो, आपके साथ में जो मित्रता करेगा वह भी नहीं पराजित होगा, और मित्रता वही करेगा जिसमें न पराजित होने वाले गुण होंगे, अथवा आपका जो मित्र हो जाएगा, आपका जो अपना हो जाएगा, उसके सामने पराजय तो आएगी ही नहीं। इन्होंने ये भी कहा, हे कृष्ण, अब मैं आपके इस कमनीय वृत्त को, कमनीय चित्र को, कमनीय आकृति को ही देखना चाहता हूँ। मेरे पास तो बोलने का साहस नहीं है, मेरे शरीर में इतनी वेदना है, अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर को छलनी कर दिया है, एक भी जगह नहीं शेष है जहाँ बाण ना लगा हो। जो बाण मेरे शरीर में विधे हैं वो मुझे दर्द कर रहे हैं, मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी मंद मुस्कान से उनको देखते हैं, भगवान के मधुर मुस्कान को पितामह भीष्म देखते हैं। श्री कृष्ण ने हाथ का स्पर्श किया, जैसे हाथ का स्पर्श हुआ उनकी पीड़ा दूर हो जाती है। युधिष्ठिर से इन्होंने कहा, युधिष्ठिर अब सिंहासन कैसे चलाओगे सीख लीजिए, अब समय है। बैठ जाते हैं, सीखना प्रारंभ करते हैं, एक एक जिज्ञासा करते हैं और पितामह सारी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं, बताते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, कोई पूछते जा रहे हैं, ये बताते जा रहे हैं। जब वार्ता हो ही रही थी उसी समय द्रौपदी जी मुस्कुरा देती हैं। द्रौपदी जी के मुस्कुराहट को देख करके पितामह ने कहा, पुत्री इस भरी सभा में, इस भरे व्यक्तियों के बीच में आप अकस्मात बिना किसी प्रसंग के हंस रही हो, बात क्या है, क्यों हंस रही हो? द्रौपदी ने कहा, पितामह आपकी बातें इतनी अच्छी हैं, इन अच्छी बातों को सुन करके हंसी आ गई। इन्होंने कहा अच्छी बातों को सुनने के बाद व्यक्ति गंभीर हो जाता है और मनोयोग से सुनने लगता है। तुम दो राज घराने से जुड़ी हो, महाराज द्रुपद की पुत्री हो और महाराज पांड की पुत्र वधू हो,
मैं आपके कुल का पितामह हूँ, मेरे सामने तुम हंस रही हो, आप प्रासंगिक हंसी, ये तो बात प्रश्न चिन्ह ले आ रही है। द्रौपदी ने कहा यही है हमारे यहाँ का प्रभाव, जो बात रहेगी उसको सत्य कह देते हैं और युक्ति से कहते हैं। इन्होंने युक्ति से कहा पितामह आप जितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, अगर इसका शतान सभी पालन कर दिए होते तो शायद यह युद्ध ना होता। आप उस युद्ध के एक तरह से देखा जाए तो हेतु हैं। जब मैं सभा में अपमानित की जा रही थी, आपने एक बार भी उस अपमान का विरोध नहीं किया। भीम जी को विष का पान कराया गया, लाक्षागृह में आग लगा दिया गया, लाक्षागृह बन भी गया, आग लगा दी गई, राज्य का हरण हो गया, जुआ में सब छीन लिया गया, सभा में मुझको अपमानित करने का भरसक प्रयास किया गया, जंगल में जाने के बाद में भी विराट के यहाँ लोग गुप्त वेश बना बना करके खोजते रहे, और गायों का जब हरण हुआ तब आप स्वयं वहां जाकर के गौ हरण में शामिल हुए, क्या यही आपको शोभा देता था? उस समय आपने सारे कार्य किया और आज आप सदाचार की शिक्षा दे रहे हैं, सुन करके आश्चर्य होता है। इस बात को सुन करके पितामह भीष्म ने कहा पुत्री जब मैं युद्ध कर रहा था उसमें प्रथम दिन के प्रसंग को मैं याद कराते हुए चल रहा हूं। युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, प्रारंभ होने वाला था युद्ध, और युद्ध प्रारंभ के ठीक पहले श्री युधिष्ठिर अपने कवच को उतार दिए, सनाह को उतार दिए, अस्त्र शस्त्र को रथ पर रख दिए, पैर से जूता को उतार दिए और नंगे पांव सात अक्षौहिणी सेना को छोड़ करके 11 अक्षौहिणी सेना का सेनापतित्व करने वाले मुझ पितामह भीष्म देवव्रत के पास में आते हैं, प्रणाम करते हैं, रथ की परिक्रमा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अनुमति मांगते हैं। पितामह जिस देवव्रत के सामने देव असुर नाग किन्नर यक्ष गंधर्व कोई भी युद्ध में विजयश्री नहीं प्राप्त कर सकता, उन पितामह के नेतृत्व में होने वाले युद्ध में आपसे लड़ करके मैं कैसे विजयश्री प्राप्त करूंगा, आप मुझको अनुमति दें, विजयश्री का आशीर्वाद दें। पितामह भीष्म ने कहा तब मैंने यही कहा था कि युधिष्ठिर पुरुष अर्थ का दास होता है, अर्थ पुरुष का दास नहीं होता। मैं दुर्योधन का अन्न खाया हूं, उनके बस में हूं, लेकिन ये सत्य है कि यदि आज तुम मेरे पास ना आते, ना मुझसे अनुमति लेने आते, मैं तुमको पराजित होने का श्राप दे देता। सत्य है कि हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी अभी, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, विजयी होने का आशीर्वाद तो नहीं दूंगा, यशस्वी होने का आशीर्वाद दूंगा, चाहे उसको मूड़ कहिए चाहे उसको कपार कहिए। हमारे यहाँ एक कहावत है, चाहे मूड़ कहो चाहे कपार कहो, बात देखे हुई, यशस्वी कौन होगा जो विजयी होगा। उन्होंने यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया, हे पुत्री मैं अर्थ का दास हो गया था, लेकिन महाभारत के युद्ध में जब महाभारत का युद्ध हुआ मेरा रक्त दूषित अन्न से पोषित था, मेरा शरीर दूषित अन्न से पोषित था, अर्जुन तपस्वी ने अपने तपस्या से संचित बाण के ऊर्जा से मेरे रक्त को निकाल बाहर फेंक दिया, अब मेरा शरीर कुरुवंश का शरीर रह गया है, स्वस्थ शरीर है, यद्यपि मैं पीड़ित हूँ फिर भी मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ माने स्व आत्मनिष्ठा तिष्ठति, मैं आत्मा में रमण कर रहा हूँ, मैं परमात्मा का चिंतन कर रहा हूँ, अब मैं विशुद्ध अंतःकरण वाला हो चुका हूँ, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तब मैं नहीं बोल पाया था।
द्रौपदी ने क्षमा मांगा। पितामह भीष्म उचित समय पर उचित अवसर पर अपने शरीर का त्याग करते हैं। सारे लोगों के वो पितामह हैं। कोई किसी भी गोत्र में पैदा हुआ हो जब पिंड दान करता है तो वो पितामह के लिए भी पिंड दान करता है। भीष्म भी उसके द्वारा किए गए पिंड दान को प्राप्त करते हैं। बंधुओं इस तरह से भीष्म जी महाराज शरीर को त्यागते हैं और आगे की जो क्रियाविधि है उसको युधिष्ठिर संपन्न कराते हैं। इसके पूर्व हम एक भजन का श्रवण करेंगे, आगे कथा में हम पढ़ेंगे। संत दिखे संग लागिरे, संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। अगर भगवान ने आप लोगों को दो हाथ दिया हो तो ताली अवश्य बजाइएगा। संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। संतन के संग लागिरे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। संग करे पूरी कमाई, संतन संग करे पूरी कमाई, पूरी कमाई हो पूर्ण कमाई। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गए प्रह्लाद की बनी गए, ध्रुव की बन गए प्रह्लाद की बनी गए। और हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। हाँ गोपियन की बन गए, सुदामा की बन गए, गोपियन की बन गए, सुदामा 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 की बन गए। कुंती के खुली गयो भाग रे, कुंतिक खुली गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग
नैना गिरे तेरी अच्छी बनेगी, संगन के संग ना गिरे तेरी अच्छी बनेगी, वो तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण भीष्म का महाप्रयाण हो चुका है, अब ये प्रस्थान करना चाहते हैं द्वारिका के लिए। इन्होंने कुंती से विदा लेना चाहा, कुंती के पास गए, कुंती जिनकी बुआ थी, हाथ जोड़ते हैं, मैं अब जाना चाह रहा हूँ, यद्यपि एक बार तो आपने मुझको अनुमति दिया, मेरा आपका संवाद हो चुका है, फिर भी अब मैं जा रहा हूँ, अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप कह दीजिए, जैसे आपके पांच पुत्र हैं वैसे मैं भी आपका पुत्र हूँ। मैया ने कहा कि आप देंगे, इन्होंने कहा क्यों नहीं दूंगा, यदि मेरे पास होगा सामर्थ्य होगी तो मैं अवश्य दूंगा। भगवान कृष्ण मुस्कुरा देते हैं, इन्होंने कहा कि जब मैं मरे हुए बेटे को ले आकर के गुरु माता को दे सकता हूँ, मरे हुए अपने छह भाइयों को माँ को अनुभव करा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, भेंट करा सकता हूँ, आप मुझको ऐसा कह रही हैं, मानो यहाँ मानो है उत्प्रेक्षा अलंकार, स्पष्ट नहीं कहते हैं। इन्होंने कहा कि आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, आप जो चाहोगी मैं आपके लिए तैयार हूँ, क्या चाहती हैं। उन्होंने कहा बेटा मुझको एक चीज बहुत अच्छा लगता है और वही अगर दे दोगे तो मुझे बहुत बहुत प्रिय रहेगा। इन्होंने कहा बोलिए क्या लाना है। कहा विपदः संतुनः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, आप मुझको विपत्ति दे दीजिए। कृष्ण ने कान में जाकर के कहा कि अभी पेट नहीं भरा विपत्ति से, जोर से नहीं कहे, इसलिए नहीं कहे कि लोग जो सुनते वो कुछ और सोचने लगते क्या कह रहे हैं। एक कान में गए और कान में जाकर के कहा कि अभी तुम्हारा पेट विपत्ति से नहीं भरा। मैया गंभीर हो गई, उन्होंने कहा तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु, हे विशाल व्यक्तित्व के धनी, जब जब मैं विपत्ति में पड़ी कौन सी ऐसी जगह थी जब आप नहीं थी, जब आप नहीं थे, कोई ऐसी जगह ही नहीं है कि जहां आप दर्शन न दे दिए हो, बताइए आपने मुझको कहां नहीं बचाया। जिसके बेटे आग में जलाए जा रहे हो उस घर को बनाते समय ही आपने क्या प्रेरणा दिलाई होगी किसी के माध्यम से कि वह एक द्वार अलग से बनवा दिया। पुत्र वधू को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था, आपने एक और अवतार लेकर के, भगवान के चार तरह के अवतार होते हैं, नित्य निमित्त प्रवेश और आवेश, तो प्रवेशावतार का आपने तत्काल वहां पर कार्य किया, साड़ी में आप प्रवेश कर जाते हैं, वस्त्र में आप प्रवेश कर जाते हैं, इससे बढ़कर के आप मेरे रक्षक नहीं और कौन होंगे, आप मेरे परम रक्षक हैं। जिस समय अर्जुन ने ब्रह्मर्षि दुर्वासा को भेजा कि जाइए उस बेला में जाइए जिस समय सारे लोग भोजन कर लिए हों, अपराह्न की बेला में जाएं और भोजन हमारे बड़े भैया युधिष्ठिर के यहाँ आप एक दिन कर लें। दुर्वासा आए और अकेले नहीं आए, दुर्वासा कुलपति थे, 10,000 विद्यार्थियों के साथ पहुंच गए। आज भी दुर्वासा वाले जो स्वामी जी हैं एक कुलपति के दायित्व का निर्वहन करते हैं। पर्याय हुआ था कि जहां पर पूज्य जगत गुरु स्वामी रहते हैं वहां ही विद्यालय चलता रहता है। आज भी उनके छात्र सैकड़ों की संख्या में, हजार भी कहा जा सकता है, आश्चर्य नहीं है, हजार की संख्या में छात्र होंगे जो धर्म के प्रचार में जहां भी हैं वो कार्य कर रहे हैं।
और उसी दुर्वासा पीठ पर आप बैठ करके दुर्वासा पीठाधीश्वर के रूप में उस प्रतिनिधित्व का उस दायित्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं करते हैं। दुर्वासा जी कुलपति थे, 10,000 शिष्यों के साथ आके पहुंच गए। और जब पहुंचे उस समय श्री कृष्ण की कृपा ही थी कि जो बच गया, नहीं तो श्राप दे सकते थे। तो हे प्रभु, आप तो हर जगह उपस्थित रहते हैं, इस तरह से संवाद हुआ। वास्तव में विपत्ति का अर्थ होता है जब भगवान का हम स्मरण ना करें, और संपत्ति का मतलब होता है जब हम भगवान के नामों में प्रेम कर लें, रुचि ले लें। आते हैं प्रसंग पर। कुंती जी से विदा लेकर के श्री कृष्ण जी द्वारिका जाने लगे। द्वारिका जब जाने लगे तो इन्होंने अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ इतने दिन रहा, क्या तुम नहीं चलोगे? अर्जुन ने कहा क्यों नहीं चलूंगा, मैं पहुंचाने तो चलूंगा ही। ये परस्पर में पहले होता था, जब कोई रिश्तेदार आता था तो साइकिल से आया करते थे। हम बचपना की थोड़ा और पहले तक साइकिल से आते थे, तो यहाँ से भेजने के लिए जाएं तो वो भी साइकिल पर बैठे और उनको लेकर जाएं, तो वहां से वो कुछ दूर तक फिर पहुंचाने आवे, ये भी चलता था पूर्व समय में। पहले के समय में आज के 30-40 साल 50 साल पहले तक था कि गांव के आसपास के गांव के लोगों की रिश्तेदारी कहां कहां पर है लोग जानते थे। आज अपने भी रिश्तेदार को लोग नहीं जानते हैं, अपने भी रिश्ते को नहीं जान पाते कि मेरा रिश्ता कहां पर है, परिचय कराना पड़ता, भैया तुम्हारे मामा के चाचा हैं ये। अच्छा, हम नहीं जानते थे अंकल, मामा के चाचा हैं तो नहीं जान रहे उनको, अपने संबंधों को नहीं जान पा रहे हैं। ये स्थितियां हमारे यहाँ की होती जा रही है। मैं सिमटते जा रहा हूँ, व्यापकता में नहीं हो पा रहा हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर द्वारिका गए। द्वारिका में बहुत सम्मान हुआ, समय वह आ गया था भगवान को सिमटने का। भगवान अपने आप का जो विस्तार था, उस विस्तार को सूक्ष्म करते हैं, और वैकुंठ गमन की बेला आती है। इसका विस्तार एकादश स्कंध की कथा में हम लोग करेंगे। वहां उन्होंने इनको जो जिम्मेदारी दिया और यह भी कहा अब मैं गमन कर रहा हूं, अर्जुन तुम यहां से प्रस्थान कर दीजिए। अर्जुन गोपिकाओं को, अर्जुन और लोगों को लेकर के वहां से निकलते हैं। प्रसंग तो यहाँ तक आता है कि रास्ते में अर्जुन का जो धनुष बाण चलाने का कौशल था वह शिथिल हो गया, और जंगल के उन जंगलियों के द्वारा अपमानित हो जाते हैं। इनके धनुष बाण जहाँ के तहाँ हतप्रभ हो जाते हैं, बाण संधान नहीं कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का परम धाम हो चुका है, आ गए द्वारिका, आ गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जब पहुंचे, इस बात की जानकारी अब शकुन के रूप में युधिष्ठिर जी को हो गया था। युधिष्ठिर जी ने अर्जुन के ग्लानि से भरे हुए मुख, गिरे हुए आकृति वाला मुख की प्रसन्नता चली गई है। उसी तरह से जैसे पेड़ की जड़ कट जाए तो हरियाली उसकी दूर हो जाती है, अर्जुन दुखी हैं। अर्जुन ने भाई को देख करके प्रसन्नता नहीं व्यक्त कर पाया। युधिष्ठिर ने पूछा तुम दुखी क्यों हो, क्या तुम्हारा किसी ने अपमान कर दिया, क्या किसी बात को तुमने कहा और बात पूरी नहीं कर पाया, क्या आपने किसी को वचन दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और रक्षा नहीं कर सके, सुरक्षा नहीं प्रदान कर सके, क्या आपका कोई परम प्रिय आपको छोड़ दिया, मित्रता कहीं खंडित हो गई, बात क्या है, क्यों दुखी हो? इन्होंने कहा भैया आपने जो अभी कहा, हमारे जो नित्य सखा जिनके बिना मैं रह नहीं सकता, जो महाभारत के युद्ध में बिना अस्त्र शस्त्र उठाए सारे अस्त्र शस्त्रधारियों को परास्त कर दिए, वह भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़ करके चले गए। इस बात को सुनते हैं युधिष्ठिर जी बहुत दुखी हुए, चिंतित हुए, सारे भाई दुखी हुए। उस दिन अन्न का भी त्याग किए, अन्न नहीं खाए। कहा गया है कि जिस दिन किसी अपने अति विशेष व्यक्ति के
मृत्यु की सूचना मिले उस दिन अन्न ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से श्री युधिष्ठिर जी अब मन में विचार बना लिए हैं कि हमको इस कली के प्रभाव वाले युग में नहीं रहना चाहिए। परीक्षित जी का जन्म हो चुका, परीक्षित जी बड़े होने लगे, परीक्षित जी बड़े होते होते कुछ बड़े हो गए हैं। इन्होंने ये सोचा कि अब जो कहा गया कि बरबस राज सुत दीना अथवा शैशवे भ्यस्त विद्या नाम यौवने विषय श्रीराम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। वृद्धावस्था जब आ जाए तो जंगल चला जाना चाहिए। चौथे पन कानन नृप जाहिं, राजा लोग जब चौथा पन आ जाता था तो जंगल चले जाते थे। जंगल इसलिए जाते थे कि जो सिंहासन पर बैठ करके राज सत्ता का संचालन किया है, जिसकी इस बात को सुन करके जिसके संकेत मात्र से सारे कार्य हुआ करते, आज वह सिंहासन पर नहीं रहेगा, गद्दी पर कोई दूसरा सिंहासनाधीश रहेगा, उसकी बात नहीं चलेगी। और जब नहीं चलेगी तो मन में व्यथा होगी, मन पीड़ित होगा, मन खिन्न होगा। अच्छा है कि जंगल में चले जाइए। तो जंगल में जाकर के वे महर्षियों के साथ अभ्यास करते थे साधना का। ये हमारे यहाँ का शिष्टाचार है। परीक्षित को इन्होंने बुलाया, परीक्षित से कहा, परीक्षित अब राज्य को चलाइए और मैं जंगल जाना चाहता हूँ। परीक्षित को अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी पितामह हैं इनके, अभिमन्यु के पिता हैं, बड़े पिता हैं, बात मान लेते हैं परीक्षित जी। परीक्षित जी सिंहासन पर बैठते हैं, सिंहासनाधीश्वर हुए। इसके पहले ही धृतराष्ट्र जंगल चले जा चुके थे, धृतराष्ट्र भी शरीर का त्याग कर चुके थे। धृतराष्ट्र जो अपनी अग्नि लिए थे, पहले आग भी सबकी अलग अलग हुआ करती थी, धृतराष्ट्र अपनी उसी आग से जिसको हवन करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए आचार्यों के द्वारा मिला था, उसी अग्नि के द्वारा जंगल में आग लग जाती है और उनका शरीरांत हो जाता है। शरीरांत की सूचना जब युधिष्ठिर को मिली, ये दुखी हो गए कि मुझको सबसे बड़ी चिंता यह है कि मेरे बड़े पिताजी जंगल में जंगल की आग से नष्ट हुए। अगर अपनी आग से नष्ट हुए होते तो कहीं अच्छा रहता। तब सूचक ने बताया कि जिस आग को लेकर वे चलते थे उसी आग से जंगल में आग लगी थी और उसी से उनका शरीरांत हुआ। युधिष्ठिर को इस बात को सुनकर के संतोष हुआ। जंगल में प्रस्थान, जंगल जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। साथ में चारों भाई और पत्नी द्रौपदी, सारे लोग जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल में उत्तर दिशा की यात्रा किए। उत्तर में हरिद्वार होते हुए सीधे बदरिकाश्रम जाके पहुंच जाते हैं। बदरिकाश्रम से और आगे सरस्वती पुल को पार करते हुए सरस्वती धारा से और आगे बढ़े। वसुधारा आदि होते हुए स्वर्गारोहण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जाते समय इनको एक कुत्ता मिल गया। आज भी जो स्वर्गारोहण की यात्रा लोग करते हैं, एक कुत्ता स्वाभाविक रूप से मिल जाता है। वह कुत्ता मिला, वो भी साथ जा रहा है। कुछ ही दूर गए थे, इतने में द्रौपदी जी रोने लगी और गिरी। उन्होंने आवाज दिया कि मैं गिर गई हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। और लोगों ने तो थोड़ा सा संकोच किया बड़े भाई का। भीम ने कहा, भैया द्रौपदी गिर गई है, मैं उसको बचाने जा रहा हूं। इन्होंने कहा, द्रौपदी को मत बचाइए, द्रौपदी गिर गई है तो उसको गिरने दीजिए, वहीं छोड़ दीजिए। द्रौपदी ने कहा कि हे प्राणवल्लभ, हे धर्म के मूर्ति, आप मुझको बता दीजिए कि मेरे में अपराध क्या हुआ कि जो मेरी शक्ति छीण हो गई और मैं आपके साथ नहीं चल पा रही हूं। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हारा विवाह, यद्यपि तुम्हारा स्वयंवर में चयन
या विजयी होना अर्जुन के द्वारा हुआ था, थी अर्जुन की पत्नी, लेकिन वचन माँ की हुई मान करके हम सारे लोगों ने आपको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। आपने कभी भी सारे लोगों के प्रति समान भाव नहीं रखा, अर्जुन के प्रति आपका विशेष आदर रहा करता था। ये आपका दोस्त था, उसी दोस्त के चलते तुम आज गिर गई हो और यहीं से तुम्हारा शरीरांत होगा। द्रौपदी वहीं रह जाती हैं और आगे बढ़े, सहदेव जी गिरते हैं। सहदेव जी ने कहा, भैया मैं गिर गया, मेरी रक्षा कीजिए। पीछे नहीं मुड़े। सहदेव ने कहा, बंधुवर बड़े भाई, मेरे धर्म के आप आदर्श हैं, आप मुझको बताइए कि मेरे में कमी क्या है, क्यों मैं गिर रहा हूं। इन्होंने कहा, सहदेव तुमको अपनी विद्या का बहुत अभिमान रहा करता था, उसी विद्या के अभिमान के चलते तुम गिर रहे हो। हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम आगे जा रहे हैं। और आगे बढ़े, नकुल गिर जाते हैं। नकुल ने कहा कि भैया मैं गिर गया हूँ, मैं क्यों गिर रहा हूँ। इन्होंने कहा, नकुल तुमको अपने सौंदर्य का बहुत अभिमान हुआ करता था, अपने रूप का तुमको घमंड रहता था, उसी रूप के अभिमान के चलते तुम्हारी ये दशा हो रही है। और आगे बढ़े, अर्जुन गिर पड़ते हैं। अर्जुन जब गिरे, अर्जुन ने कहा, भैया मैं क्यों गिर रहा हूँ, मेरा कौन सा पाप है। युधिष्ठिर सभी को समाधान देते जा रहे हैं। अगर आप समाधान नहीं देंगे तो व्यक्ति कुतूहल में पड़ा रहेगा। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भाई मैं क्यों गिर रहा हूं। युधिष्ठिर ने कहा, महाभारत के युद्ध में तुमने कहा था कि मैं एक ही दिन में दोनों पक्ष को नष्ट कर दूंगा, जो मेरे विरोध में होगा मैं उसको नष्ट कर दूंगा, चाहे दोनों पक्ष का ही क्यों ना हो, और कुरु पक्ष के लोगों को तो अवश्य मैं नष्ट करके वापस आ जाऊंगा। आपने अपनी बात नहीं पूरी किया। भीम गिरते हैं। भीम ने कहा, भाई मैंने क्या गलती किया, मैं तो नारायणास्त्र से भी लड़ता रहा, सदैव मैं आपकी बातों का आज्ञा पालन किया, मैं क्यों गिर रहा हूँ। इन्होंने कहा, भीम तुम इसलिए गिर रहे हो कि कभी अपने पेट के आगे दूसरे को नहीं देखे, चाहे एकादशी हो, चाहे वामन द्वादशी हो, चाहे कृष्ण जन्म हो, चाहे रामनवमी हो, तुम्हारा व्रत केवल एक ही था, भोजन करना। आप अपने क्षुधा पूर्ति में कोई समझौता नहीं करते थे, दूसरे का भी हिस्सा खा लेते थे, आप इसीलिए जा रहे हो। इस तरह से पांचों लोग गिर जाते हैं। युधिष्ठिर और आगे बढ़े, उसके बाद स्वर्गारोहण के क्रम में विमान आया। विमान पर चढ़कर जाने की बात आई। इन्होंने कहा कि मेरे साथ एक कुत्ता है, मैं कुत्ते के साथ चलूंगा। स्वर्ग लोक से आए हुए उन लोगों ने कहा कि आपको नहीं चलना होगा, चलेंगे आप तभी जब आप अकेले चलेंगे, कुत्ते को ले जाने की जिद करेंगे आप नहीं चल पाएंगे। इन्होंने कहा कि मैं स्वीकार करता हूँ, मैं इसके बिना नहीं जाऊंगा। मेरे चारों भाई, मेरी नित्य जो सहचरी थी द्रौपदी, वो चले गए और ये मेरे साथ वहां से लेकर यहाँ तक आए हुए हैं, मैं इनको छोड़ करके कैसे जाऊंगा। धर्म नहीं कहता। प्रमाण मंतह कारण प्रवृत्तयः, अंतःकरण जो बात कहे वही करना चाहिए। मेरा अंतःकरण यही कह रहा है कि मुझको छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, इस स्वान को, इस कुत्ते को। उन लोगों ने कहा, यदि आपका यह निर्णय है आपका जाना अस्थगित। इन्होंने कहा, निश्चित मान लीजिए आप जा सकते हैं। उसी समय पुष्प वर्षा होती है और जो कुत्ते के रूप में दिख रहा था, देखते देखते वह हो गया धर्मराज का स्वरूप। महाराज धर्म थे वे। उन्होंने कहा, पुत्र मैंने तुम्हारी इसके पहले भी परीक्षा लिया, परीक्षा उस समय लिया था जब यक्ष प्रश्न हुआ था, यक्ष के रूप में मैं ही था,
जिस समय आपके चारों भाई पानी की तलाश में एक एक करके उस सरोवर में आते गए, मैं प्रश्न पूछता गया और उत्तर नहीं दे पाते थे, सारे लोग धराशायी होते गए। आप आए, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया। मैंने कहा कि चार भाइयों में से एक को मैं जीवित कर दूंगा, जिसको चाहो उसको जीवित करा लो। आपने कहा कि अगर आप जीवित करना ही चाहते हैं तो नकुल अथवा सहदेव दोनों में से एक को कर दीजिए, सहदेव को जीवित कर दीजिए। बड़ा मैं हूँ, छोटे वे हैं, दोनों भाई हो जाएंगे। तब फिर मैंने कहा, धर्म कह रहे हैं, फिर मैंने कहा कि महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, उस युद्ध में 10,000 हाथियों के बल को लेकर के अकेले चलने वाले तुम्हारे छोटे अनुज श्री भीम जी हैं, इनको जीवित करा लीजिए। अथवा अर्जुन ऐसे महारथी हैं कि जिनके सामने देव दानव यक्ष नाग किन्नर गंधर्व कोई भी नहीं जीत सकता है, आप उनको जीवित करा लीजिए। आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं? आपका उत्तर था कि मेरे पिता की दो पत्नी थी, एक का नाम कुंती और एक का नाम माद्री। कुंती के पुत्रों का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा और माद्री के संतानों में एक हो जाएगी, तो मेरी दो माता, दोनों माताओं की दो संतानें जीवित रह जाएंगी। इससे बड़ा और अच्छा क्या होगा? आपने धर्म का निर्णय लिया, आपका निर्णय उचित था, आपने स्वार्थ में निर्णय नहीं लिया। आप वहाँ पर विजयी हुए, आप वहाँ पर धर्म पुत्र सिद्ध हुए, मैंने सभी को जीवित कर दिया और आपके ऊपर अनुग्रह किया। आज यहाँ सारे लोग गिरते चले गए, आपके साथ आने वाला कुत्ता बचा। कुत्ते को भी आप स्वर्ग लोक लेकर के जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए तैयार है कि मेरा साथी है, और कुत्ते के चलते आप नरक जाने के लिए भी या यहीं रह जाने के लिए भी तैयार हैं, इसलिए कि मेरा मित्र साथ नहीं जा पा रहा है। सात कदम, सात पग भी अगर कोई साथ चल दे वो मित्र कहलाता है। और आपके साथ यही हुआ, आपने कहा सात पग चलने वाला मित्र होता है, ये तो मेरे साथ बहुत दूर से आ रहा है, मैं कैसे छोड़ दूं। आपकी दो परीक्षाएं हुई और दोनों परीक्षाओं में आप सर्वोच्च अंक से उत्तीर्ण हुए। श्री युधिष्ठिर जी स्वर्ग जाते हैं। अब वहां के भी एक प्रसंग की चर्चा हम चला करके फिर आगे की यात्रा करते हैं, आगे की कथा बढ़ाएंगे। स्वर्ग चले गए, स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में जाने के बाद में विचार हुआ कि आपके पास में सुख ज्यादा है, दुख थोड़ा है, आपने एक दो गलतियां किया है, उस गलती का परिणाम आपको प्रायश्चित के रूप में भुगतना है, क्या चाहते हो? सुख पहले लेना चाहते हो कि दुख पहले लेना चाहते हो? इन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति है, भाग्य की पंक्ति तो आती जाती रहती है, मैंने दुख बहुत जीवन में लिया है, दुख का तो मुझको खूब अनुभव है, सुख का अनुभव कम है, आप मुझको दुख दे दीजिए, जिसका मैं विशेषज्ञ हूँ आप मुझे उसी को दे दीजिए। विशेषज्ञ मैं दुख का हूँ, जन्म के बाद पिता चले गए, राज्य में आने के बाद में भी लगता था कि मैं प्रवासी हूँ, और राज्य में लालन पालन पठन पाठन हुआ फिर भी मैं उपेक्षित रहा करता था, जीवन पर्यंत संघर्ष में रहा, अंत में जाकर सिंहासन पर बैठा, सुख बाद में पाया हूँ, तो आप मुझको दुख दे दीजिए। कहा आपने युद्ध के समय झूठ बोला था, सत्य कहा लेकिन वह छलबद्ध सत्य था। आपने कहा अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो, आप ऐसा क्यों बोले? झूठे तो है, अरे सीधे कह देते अश्वत्थामा, फिर आशय देखना चाहिए। जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि हाँ क्या अश्वत्थामा मार दिया गया, तो द्रोणाचार्य के पूछने का आशय थोड़े था कि अश्वत्थामा नाम का और भी कोई है, द्रोणाचार्य का आशय था मेरे पुत्र से, अपने पुत्र से, और इस आशय को भी जानते थे युधिष्ठिर, लेकिन इन्होंने क्या कहा, अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो। कुंजरो तक जाते जाते कृष्ण ने शंख बजा दिया, तो संजो छल छल युक्त सत्य था।
प्रायश्चित में इनकी कनिष्ठिका अंगुली गल गई थी। सत में इतनी ऊर्जा है, इतना बल है कि हिमालय की बर्फ भी उसका कुछ नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा सा असत्य का भाषण किए, परिणाम कनिष्ठिका अंगुली गल गई, स्वर्ग में पहुंच गए। किंचित दुख को पाना इनको स्वीकार हो गया, वरण कर लिए। स्वर्ग लोक के एक दूत के द्वारा इनको ले जाया गया नरक की यातना की तरफ, और जब नरक यातना की तरफ पग बढ़ाए, देखते हैं कि कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा तो मरे ही नहीं थे, और भी कितने लोग थे वहां पर जो ऐसे पड़े हुए, खड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं। यात्रा कर लिए, लौटना हुआ। जब लौटने लगे तो सारे लोगों ने आर्तनाद किया, भैया आप मत जाइए, आपके शरीर की सुगंध इतनी अच्छी है, हम लोग इस पीड़ा से अपने आप को सह नहीं पा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके शरीर की सुगंध जब आती है हम लोगों को सुख मिल रहा है, कृपा करके आप न जाइए। युधिष्ठिर ने कहा, हे देवदूत, मैं यावत जीवन इसी दुख के स्थल पर रह जाऊंगा, लेकिन मैं उस स्वर्ग भोगी सुख में नहीं जाऊंगा। मेरे बंधु बांधो इस दुख को पाएं और मैं स्वर्ग का सुख लूं, ये कहां संभव है, मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह से कह करके वहीं बैठ जाते हैं। जैसे ही बैठे उसी समय सारे लोग जो गंधमय गंधमय स्थिति में थे, गंदी जगह पर थे, वह स्वर्ग के रूप में हो गया, और वो लोग बताए कि हम भी इसी में हैं। देवदूत ने बताया यहाँ नरक किसी को नहीं हुआ, जितने लोगों की मृत्यु हुई लड़ते लड़ते लोग मरे हैं, तो जो युद्ध में युद्ध करते करते शरीर अवसान करता है वो स्वर्ग का पथिक बनता है, स्वर्ग का सुख भोगने वाला होता है। यहाँ पर भी युधिष्ठिर विजयी होते हैं। धर्म तीन बार परीक्षा लिए और तीनों बार ये विजयी हुए। आइए हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में परीक्षित जी राज्य का संचालन बड़े मनोयोग से कर रहे हैं, और बाद में इनके ऊपर किस तरह से साप आक्रांत होते हैं, साप आता है, और क्या क्या हुआ, इस प्रसंग को हम सभी लोग कल की कथा में चलेंगे। पहले दिन की कथा में थोड़ा सा विलंब हुआ, द्वितीय दिन की भी कथा में जो स्थल पहुंचने वाला है वहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। यह है कि तीसरे दिन की कथा होते होते हम प्रसंग के समीप पहुंच जाएंगे, निर्दिष्ट प्रसंग तक, और चौथे दिन कृष्ण का जन्म होता है, तो चौथे दिन कृष्ण के प्रसंग, कृष्ण के जन्म के प्रसंग का हम लोग श्रवण अवश्य करेंगे। अब दो बार भगवान के परम पवित्र नामों का स्मरण करेंगे, उसके बाद आरती और प्रसाद वितरण होगा। आरती में हमारे बीच ज्योतिष शास्त्र के विद्वान सहृदय डॉक्टर प्रकाश पांडे जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, और आपके साथ में आपके दो और मित्र हैं, उनको भी मैं चाहूँगा आप आवेंगे। बनारस के बड़े अच्छे व्यक्तित्व हैं, गोला दीनानाथ में आपका प्रतिष्ठित व्यवसाय है, छात्र जीवन में हम लोग अक्सर आपके यहाँ आते थे जाते थे, अभी भी संपर्क बना रहता है, हमारे महाराज जी के आप शिष्य हैं, आप सभी से मैं चाहूँगा क्रमशः आवेंगे, आरती करेंगे, और इधर जो आप बैठे हुए हैं संत विजय जी महाराज हमारे हैं, सीधी जहाँ बाण सागर बना हुआ है, जहाँ बाण भट्ट का जीवन व्यतीत हुआ, उन्होंने तपस्या किया, वहाँ से आए हैं श्री रामपाल गौतम जी, हम चाहेंगे आप भी आएंगे, हालांकि यह कार्य संचालक का है, लेकिन मैं स्वयं बोल दे रहा हूँ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 संतो नारायण 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 भक्ति नारायण 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 हनुमत नारायण 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 हे हनुमत नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 ईश्वर जो नारायण 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 हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मैं संचालक महोदय आदरणीय श्री आनंद द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा आगे की क्रिया व्यवस्था को आप संचालित करें। जय श्री राम। जैसा कि महाराज सुश्री ने भी आप सब लोगों को बताया कि सभी को बारी बारी से आरती करना है और आरती के बाद प्रसाद लेकर के आप सब लोग तभी जाएंगे। बगैर प्रसाद और आरती का कोई नहीं जाएगा। भगवान की बहुत बड़ी ऐसी अनुकंपा और कृपा है जो कि यह जो दिव्य भगवान की रचमय ज्ञान में भक्ति में कथा आप सब लोगों के इस तीर्थराज प्रयाग में कहा गया है। सीता सीते यत्र तरंग चामरे सीता सीते यत्र तरंग चामरे नद्यो विभाते मुन भानु कन्यके अनीला तपत्रम बटैव साक्षात सतीर्थ राजो जयति प्रयाग को कहीं से कहीं प्रयाग प्रभाव। तो यहाँ का आप सब लोग सब कुछ जानते ही हैं, इसलिए सभी लोग आरती में भाग लेंगे और ठीक कल 3 बजे से पुनः आप सब लोग 2 बजे से हमारे संगीतकार लोग बैठ जाते हैं और 3 बजे से महाराज सुश्री, इसलिए आप सब लोग पधार करके भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण पान करें। हाँ 2 बजे आरती कहाँ गए जलाओ। कथा 2 बजे से ही होगी। जय हो। श्री महाराज सुश्री का माला अर्पण कर रहे हैं और लपकानंद कहां गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो। हरि ओम मां हरि ओम मां चंद्रमा वन सूर्या चक्षु सूर्यो अजायत श्रोता वायुश प्राणश्च मुखाद अग्नि रजायत। हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं।
अरे पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हाँ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, है गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोरी मुकुटे तेरे शीश पे सो है, मोरे मुकुटे तेरे शीश पे सो है, प्यारी बनवासी मुहिरो है, प्यारी बनवासी मुनि मन मो है, देखी छवि मैं बलि बलि जाऊं, देख छवि मैं बलि बलि जाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हो पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, चरणों के मैं दर्शन पाऊं, अरे हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, नाथ के नाथ आप हो, दासनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, चरणों के मैं शीश झुकाऊं, एक बिदारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी
आरती गाऊं। हे श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाग बिहारी आरती गाऊं। ये संगी सो है जिस हाने दुलारी, संग में सो है जिस हाने दुलारी, ललिता दी कैसब सखिया प्यारे, ललिता जी सब सखिया प्यारी, पास सलाम बन पाऊं दास सदा मैं, जिंदा बन पाऊं। हे तेरी धारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो गंगे मैया आरती तुम्हारी, जय हो गंगे मैया तुम्हारी, आरती तुम्हारी है मैया आरती तुम्हारी, आरती तुम्हारी मैया आरती तुम्हारी, जय हो गंगे मैया आरती तुम्हारी, जय हो गंगे मैया आरती तुम्हारी। रोग हरो मां सुख हरो मां, रोग हरो मां सुख हरो मां, कष्टों से बचाओ कष्टों से बचाए, विजय करो मां बजय बधैया आरती तुम्हारे, विजय करो मां बजय बधैया आरती तुम्हारी। जय हो गंगे मैया आरती तुम्हारी, जय हो गंगे मैया आरती तुम्हारी, आरती तुम्हारी है मैया आरती तुम्हारी, आरती तुम्हारी मैया आरती तुम्हारी, जय हो गंगे मैया आरती तुम्हारी, जय हो गंगे मैया आरती तुम्हारी। अतुलित तेज बदन पर सोहे, अतुलित तेज बदन पर सोहे, तीन लोक उदियार मेरी मैया, तीन लोक उदियार मेरी मैया, विजय करो मां बजय बधैया, विजय करो मां बजय बधैया आरती तुम्हारी, विजय करो मां बजय बधैया आरती तुम्हारी, आरती तुम्हारी है मैया आरती तुम्हारी, आरती तुम्हारी मैया आरती तुम्हारी, जय हो गंगे मैया आरती तुम्हारी, जय हो गंगे मैया आरती तुम्हारी। जो मैया की करे आरती, 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 कष्ट कभी नहीं पाता है, कष्ट कभी नहीं पाता है, दूध भंडार भरैया आरती तुम्हारी, दूध दूध भंडार भरैया हारी, जय हो गंगे
गंगे मैया आरती तुम्हारी जय हो गंगे मैया आरती तुम्हारी आरती तुम्हारी है मैया आरती आरती तुम्हारी मैया आरती तुम्हारी जय हो गंगे मैया आरती तुम्हारे जय हो गंगे मैया आरती तुम्हारी भरपूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजेन्द्र सदा वसंत हृदयाधिनिते भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव आत्मेव विद्याद्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीराधे राधे श्रीश्यामा श्री राधे राधे श्री श्यामा श्यामा श्री राधे 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 राधे श्री श्यामा श्यामा श्री राधे राधे श्री श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाहि बन्धनं आरार्थि ग्रहणं मंत्र पुष्पांजलिः हरि ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलाब्जैः पुन्नाग जाति गर्वीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधिनी पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सुखदेव जी महाराज की जय व्यास भगवान की जय